ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमें आज स्टार्ट करियो आज रो चैप्टर पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इथरे चैप्टर नंबर गोटे चैप्टर हमें डिस्कस करियो किंतु एक्चुअली हमें तीनटा चैप्टर पढ़िबा। ओके सो तीनटा चैप्टर कौन कौन पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। समस्त निज 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 म्यूट हो जाओ जत बेले मु पछि सत बेले अनम्यूट हो गई। सर मिनट दिए सर सो बेसिकली आमे ए तीनटा जिनस ऊपर डील करिबे। बेसिकली बहुत इजी जिनस इतरे अछि बहुत कांसेप्चुअल जिनस भी अछि किंतु तमे बेसी स्ट्रेस देबोनी। सिंपली तमे जस्ट चैप्टर जेतेबेले पढुछो माने तमे जस्ट नॉर्मली भाबो जे तमे किछि पढु न। ओके जस्ट खाली नॉर्मली भाबो जे पॉवर्टी माने सिंपल भाबो पॉवर्टी कोन। सर साउंड ठीक से ऑडिबल होने मो कथा आउ समस्त को सुभाउ छी कटी कटी सुबुची। ये सर सुबुच व्हाट स्क्रीन टा विजिबल होने। ओके एबे स्क्रीन विजिबल है ना। यस सर यस सर। ओके सो आमे जो टॉपिक कथा कहू छी पॉवर्टी इनइक्वालिटी आउ अनएम्प्लॉयमेंट। सो मो कहिया कथा तमे जो चैप्टर पढ़िबो ए तीनटा चैप्टर आज बुझिबो। सो बेसिकली तमे जस्ट माइंड रे रखो जे सिंपल ए चैप्टर बहुत सिंपल बोली भाबो। ओके सो इकोनॉमी रो आमे एटा इकोनॉमी रे आमे कोन पे पढुचे सिंपली तारो सिलेबस जो आमे काली मु पचारथिले तमकु सिलेबस कोन थिला इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तनु आमे एटा सोशल इशू पॉवर्टी गोटे कोन सोशल इशू इनइक्वालिटी भी गोटे वन टाइप ऑफ सोशल इशू अनएम्प्लॉयमेंट भी गोटे सोशल इशू। तेणु पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट जो अच्छी से चैप्टर गुड़ा इनक्लूड अच्छी। तो बेसिकली सोशल इशू मैंने यही तीन टा जिनस प्लस आउ कौन मिसुची हेल्थ आउ एजुकेशन। तो यही जो पांचटा चैप्टर बेसिकली पांचटा टॉपिक कही पार पॉवर्टी गोटे एक्चुअली कौन दि नंबर चैप्टर किंतु तीन टा टॉपिक मिसिक अच्छी पॉवर्टी इनइक्वालिटी आउ अनएम्प्लॉयमेंट तीन टा टॉपिक प्लस हेल्थ एजुकेशन। तो यही बेसिकली यही पांचटा जिनस आम कह सोशल इशू बट ताक मिसेक प्लस आउ किसी अच्छी गवर्नमेंट स्कीम अच्छी से गवर्नमेंट स्कीम को भी आम सोशल इश्यू में नहीं पारा आम सपोज स्टैंडअप इंडिया स्कीम स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो से गुड़ा भी कौन गोटे आम जो एस टी एस सी ओमेन एंटरप्रेनर को आम स्टैंडअप इंडिया स्कीम जो अच्छी तो सैटा गोटे अपलिफ्टमेंट करने तेणु से एक्चुअली कौन सोशल डेवलपमेंट पार्ट आम से टाइप रश्यू गुड़ाक डिल करवा। सो सिंपली जदि पॉवर्टी जस्ट पॉवर्टी मैंने आम कौन बुझे पॉवर्टी माने कौन किए कही पारिबो सिंपली जस्ट तीनटा जिनस को एटी बुझिबा तापर आमे फर्दर जीवा। सर मींस इट इज अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इनफ इनकम ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स लाइक फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ओके वेरी गुड। सो पॉवर्टी माने गोटे आमे सब जदि गोटे जिनस लैक करूचे बेसिक नीड लैक करूचे तारो सही स्टेट को आमे पॉवर्टी कहूचे सिंपल। ताले इनइक्वालिटी कौन व्हाट इज इनइक्वालिटी पैसा ओके सो किसी पैसा बहुत अच्छी। सो से जो तार डिफरेंस कौन कर इनइक्वालिटी कहे ना नहीं सो सिंपल वे रे बुझे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन मींस द इंडिविजुअल हु आर एम्प्लॉयबल employable and actively seeking a job but unable to find a job. Okay so unemployment mane kon na ame koi se jemti koila mane je konosi loko jodi se job pai eligible but se job pauni seta ku ame unemployment kouche basic jo normal sense re taku samasta differ bi kari paribo. So ethre ame ei jo chapter basically ame kon padiba tinta jinso padiba poverty au इनइक्वालिटी आउ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी रे देखो बेसिक जिनस पढ़िया पॉवर्टी कौन आउ पॉवर्टी रिलेटेड जिनस सब देखा देन आब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन टाइप ऑफ पॉवर्टी देखा टाइप ऑफ पॉवर्टी आम गोटे देखा आब्सोल्यूट पॉवर्टी आउ गोटे रिलेटिव पॉवर्टी। ओके सो रिलेटिव पॉवर्टी एक्चुअली इनइक्वालिटी को आम डील करवा तेणु यहाँ भी आम कहीपर पॉवर्टी टोटल चैप्टर तापर सेपरेट गोटे रहा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो ये जो पॉवर्टी जो पढ़ा पॉवर्टी देख सब तीन टा जिन मेजर जिनस ना आम सबुति कौन बुझापे ट्राए करुचे ना तार मिनिंग जानापी ट्राए करुचे तार टाइप जानापी ट्राए करुचे
तापरे आमे ताकु केमती मेजर करिबा देखो पॉवर्टी को केमती मेजर करिबा इनइक्वालिटी को केमती मेजर करिबा आउ अनएम्प्लॉयमेंट को केमती मेजर करिबा सो सेई मेजर को तार जो जो मेथड आमे ताकु मेजर करिबा सेई मेथड गुडा बहुत इंपोर्टेंट ओके सो सेथि पई इट देखो सबुथरे तार हेडिंग लिखिछि तापरे तापरे आउ गोटे जिनस होला किछि कांसेप्चुअल पार्ट रहिछि पॉवर्टी को नै किछि कांसेप्ट अछि इनइक्वालिटी को नै किछि किछि कांसेप्ट अछि तापरे से जो मेजर आम करूचे मेजर कलापर आम कौन दरकार ना आम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एस्टिमेट कर रिपोर्ट जो अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो से रिपोर्ट गुड़ाक डील करवा तेणु सेमती किसी बहुत बड़ जिन ना सिंपल जिन अच्छी तेणु आम एवं स्टार्ट करवा ह्वाट इज पॉवर्टी सो आम जमी डिस्कस कले जदि आम गोटे बेसिक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को जो लैक करूचे गोटे पर्सन लैक कर कम्युनिटी लैक कर स्टेट को आम पॉवर्टी कहे सो आमर इंडियन कंटेक्सट जो देखा पॉवर्टी एम्फासाइज ऑन मिनिमल लेवल ऑफ लिविंग रादर दैन रिजनेबल लिविंग ऑफ लेवल ऑफ लिविंग सो आम जमी आगु पढ़ी खाद्य वस्त्र बासगृह से टाइप्र खाद्य वस्त्र बासगृह से कौन बेसिक नीड बा बचापी से मिनिमम दरकार एमर जो आम कह से आड करदे आम हेल्थ को निहाती दरकार हेल्थ दरकार एजुकेशन दरकार गोटे कौन बेसिक नेसेसीटी टू लाइफ ए गुड लाइफ सो से आम से जिनस गुड़ा जब आम लैक करूचे आम पॉवर्टी कह सो आम जो देखा इंडियन कंटेक्सट से इंडियन कंटेक्सट कौन होता ना आगु पॉवर्टी एस्टिमेट किए कर प्लानिंग कमिशन करूला ओके क्या बेस करी ना नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिनिस्ट्री अंडर अच्छी सर मस्ट बी मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मस्ट बी सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जहां को सुभा जाउनी से आउथरे आउट ही की आउथरे जॉइन करो हला तो एट देख एबे जदी हमें देखिया प्लानिंग कमीशन तो आगरु करथला बट एबे किए करची ना नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मिनिस्ट्री सेम बट आगरु प्लानिंग कमीशन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थिला समस्त जानिचो ताको रिप्लेस कला नीति आयोग बट नीति आयोग एवं से जिनस करूनी से जो पॉवर्टी को एस्टिमेट किए कर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो आम कल देखी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन जो एनएसओ जो होती सो तापर जो को मिनिस्ट्री अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सो पॉवर्टी को लेकिन जो आम डे गोटे ऑब्जर्व करुचे 17 अक्टोबर ताको आम इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जोटा कि यूनाइटेड नेशन र गाइडेंस रे होउछि ओके तो 1987 रो एटा आमर जो इंटरनेशनल डे ऑफ इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमें ऑब्जर्व करूछे सो पॉवर्टी रो बेसिक जिंस ऑफ पढ़ला बट तुमको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी पारे व्हाट इज पॉवर्टी व्हाट द कॉज ऑफ पॉवर्टी कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी डिस्कस अबाउट वेरियस कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी ए टाइप रो क्वेश्चन भी आसी पारे तनो तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन पे भी याकु रेडी हेतबो ए टाइप रो आंसर देबा पे सो पॉवर्टी आम कौन पे तार कौन पे आम पॉवर्टी बेसिकली हूँ आम सिंपल मेन जिनस कौन आम कंट्री जो अनुसार आम जो देखा आम इंडियान कंटेक्सट्रे आम बेसिकली पॉवर्टी कौन पे हूँ ना बहुत सारा आम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत होके हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जेहतु हूँ आम जाचे रिसोर्स डेवलपमेंट तुम पड़ी गोटे वर्ल्ड गोटे जगार आमर जो आम पाखे कौन दरकार आमको बचाप रिसोर्स दरकार बट रिसोर्स इज लिमिटेड ओके सो आम जब पॉपुलेशन जब आम ग्रो करवा कौन हम से रिसोर्स को आम से रिसोर्स आम समस्त पाइबनि तेणु हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लीडिंग टू पॉवर्टी सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी तापर सेकेंड है बहुत लोक आम कौन हिकी अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट हिकी अच्छा इवेन अंडर एम्प्लॉयमेंट हिकी अच्छा ओके अर्बान और रूराल डिवाइड अर्बान रूराल डिवाइड समस्त जाच अर्बान पीपुल अर्बान एरिया टी जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया आउ रूराल रूराल आम रूराल एरिया बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टी कम से आम देखा रूराल एरिया तार पॉवर्टी रेट टी बेसी विथ रेस्पेक्ट टू अर्बान एरिया तापर लास्ट है डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप ऑफ असेट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आम इनकम जो पाउचे इनकम जिते रोजगार करुचे से रोजगार भितर आम डिफरेन्से रोचे डिस्पैरिटी रोचे धनी लोक बेसी कमाऊँ गरीब लोक कम कमाऊँ से जो डिस्पैरिटी रोचे विथ रेस्पेक्ट टू आम सैलरी कि ओनरशिप ऑफ असेट ताकि पॉवर्टी इनक्रीज हो सो दिस इज द दिज आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया
सो पॉवर्टी को बेस करके दुटा जिन मन रखार अच्छे आब्सोल्यूट पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी। आब्सोल्यूट पॉवर्टी तो आम पढ़ा एवं तो एक्चुअली पॉवर्टी जो मेजरमेंट करुचे से एक्चुअली पॉवर्टी कौन से आब्सोल्यूट पॉवर्टी बट दुटा भितर जब आम कंपेरिजन करुचे आम कौन कौचे रिलेटिव पॉवर्टी कहचे। तो रिलेटिव पॉवर्टी को आम कौन कौचे इनइक्वालिटी कहचे। सो रिलेटिव मैंने गोटे गोटे लोक आउ गोटे लोक सहित जब कंपेयर करुचे कि गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री सहित तरह कंपेयर करुचे ताले आम कौन पाचे रिलेटिव पॉवर्टी पाचे रिलेट कर पारे से आम इनइक्वालिटी कहचे। सो इनइक्वालिटी पार्ट को आम लेट्रे डिल करवा एवं पढ़ा आम आब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो आब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन ना आम बेसिक जो आम पॉवर्टी आम जो डेफिनेशन पढ़ले से ही जिनस ही आम कह आब्सोल्यूट पॉवर्टी कहवा जो इंडिविजुअल लेवल आम डिस्कस करवा। सो ड्यू टू डिप्राइवेशन फ्रॉम बेसिक ह्यूमन नीड जो जिनस हो जो कंडीशन अकर होब्सोल्यूट पॉवर्टी कहे जमी फुड जोटा मुझे कहली क्लॉथ हेल्थ एजुकेशन सानिटेशन फैसिलिटी शेल्टर। तो ये जो आब्सोल्यूट पॉवर्टी को मन रख आब्सोल्यूट पॉवर्टी को आम मेजर केमती करे ना कनसेप्ट अफ पॉवर्टी लाइन में मेजर करे। पॉवर्टी लाइन मान कौन ना पॉवर्टी लाइन को आम जो बहुत सारा वे रे आम करके। सो सपोज आम कहीपर कल जमी आम पढ़ले इनकम को बेस करके आम पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर आम आम एक्सपेंडिचर को बेस करके आम पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर सपोज एति टा सपोज 1000 टाँह जी कमा सी आम पॉवर्टी लाइन उपर अच्छी जे पॉवर्टी लाइन आम 1000 टाँह तले कमा सी पॉवर्टी लाइन तले अच्छे यहाँ कहींपर कि आम आउ गोटे वे रेपर जे 500 रुपीज खर्च कर पार्टी सी अपर पॉवर्टी लाइन उपरे से गरीब हो कि ना बट जे 500 तल को खर्च करें बीपीएल कैटेगरी कह बिलो पॉवर्टी लाइन कह। तो यही सेन्स तुम बुझीपार तो बहुत सारा वे आम आब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर कर। तो यही आम देखा पॉवर्टी लाइन जो अच्छी पॉवर्टी लाइन में आम कौन करुचे ना आब्सोल्यूट पॉवर्टी को आम एस्टिमेट कर पार्चे से पॉवर्टी लेवल कौन पॉवर्टी लाइन कौन इट इज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तेणु यहाँ खातार लिखिक रखी व्हाट इज पॉवर्टी लाइन हाइफन दबो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सेटा है पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन। तेणु लेवल ऑफ इनकम यहाँ मन रखी यहाँ को अंडरलाइन कर लेवल ऑफ इनकम जो दरकार होने पॉवर्टी लाइन कहे। सो ताको आम केमती मेजर करवा ना पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आम जेम केतो स्टार्ट है लगे 10 मिनट हलाणी सॉरी सर। ओके सो एथरे देखो आम जो एडी मु जो कहली तुमको इनकम करछे कि मैं एक्सपेंडिचर करछे सेमती आम जो पॉवर्टी लाइन रे आम जो एथरे कोन कहूची ना केते कैलोरी आम इनटेक करूचे केते कैलोरी आम नौचे किंवा केते कैलोरी आम कंजम्पशन करुचे। ओके सो से जो कैलोरी इनटेक रे आम रिप्रेजेंट पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर। सो टू रिक्वायर्ड अटेन ए मिनिमम लिविंग कंडीशन गोटे मिनिमम लिविंग कंडीशन आमर केते कैलोरी आम इनटेक करुचे किंवा केते आम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करुचे। सो ए दुटा जिनस कौन ना कैलोरी इनटेक आउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आइदर मैंने यही आम मेजर करें मेजर कर। ओके सो इट मे वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इट मे अल्सो वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन इंडिया ड्यू टू डिफरेंट प्राइस लेवल प्रिवेलिंग देयर। सो ये देख एग्जांपल देसी ए पॉवर्टी लाइन मे बी 47 पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर डे। सो ए पॉवर्टी लाइन मे बी 47 रुपीज पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर डे। सो जो पर्सन से स्पेंड कर 47 पर पर्सन ताले ताको आमे कौन कह पर बोली कंसीडर करवा। तेणु ये या बेस करके जो आम क्वेश्चन करवा गोटे क्वेश्चन करके आम ट्राए करवा जानवाप। तो देख क्वेश्चन मुझे जस्ट इतने देखा इन ए गिवेन ईयर इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स। ओके सो इन ए गिवेन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट दैन इन अदर बिकज एथरे कोन कहउची ना हमरो लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बी कोन हो आंसर कोन हो बी। तो एथरे आमे कोन डिस्कस करले ना ए जो आमे डिस्कस करले एट लिखा है देखो इट मे वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और इट मे वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू स्टेट कोन पे ना ड्यू टू डिफरेंट प्राइस लेवल ऑफ प्रिवेलिंग देयर। तो सेथिपई जो देई प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट सेटा हमर आंसर हो। ओके सो ए क्वेश्चन कौन पचार जो मैंने बुझीप आउ थे मुझे कहूँ
in a given year in India, official poverty line are higher in some state than in other because जेहेतु प्राइस लेवल डा डिफरेंट रहिला ऑब्वियसली सेटा वेरी करिवो स्टेट टू स्टेट तेनु एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला तेनु ए क्वेश्चन तमकु इथरे मु तमकु पचारली ओके सो पॉवर्टी लाइन जदि आमे कहू छे ग्लोबल लेवल आमे जो देखिबा वर्ल्ड बैंक कोन करछि ना इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बोली गोटे से डिटरमाइन करछि ओके सो डिटरमाइन केते करछि ना जो आमे एटा कोन करछि ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को नै कि से डील करछि तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोन ना आमे केते खर्च करछि आमे जो बंचिबा पई केते खर्च करछि ओके सो पर कैपिटा माने पर लोक गोटे मनिष ओके सो गोटे मनिष जदि 1.90 डॉलर 1.90 डॉलर को आमे जदि रुपीज रे कन्वर्ट करिवा ताले केते हेबो सपोज एटा 80 रुपीज गोटे डॉलर ता 80 रुपीज ताले केते हेबो पाखा बाकी केते हेबो 159 कि 60 पाखा बाकी हेबो ना नै 150 60 भितरे सो सेही जो 160 सपोज 160 रुपीज जे खर्च करि परिबोनी ताले ताकू आमे कोन कहिबा ना एक्सट्रीम पॉवर्टी बोली कहिबा ओके एक्सट्रीम पोर कहिबा ताकू सो सेति पई से वर्ल्ड बैंक कोन कहूची एज पर वर्ल्ड बैंक एनी पर्सन लिविंग ऑन लेस देन 1.90 पर डे डॉलर पर डे इज कंसीडर फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी ओके सो पॉवर्टी लाइन को तुम बुझी पारलो सो पॉवर्टी लाइन को आमे जतले बुझी पारले पुनी नेक्स्ट आमे आउट कांसेप्ट देखिबा पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो बा हेड काउंट रेशियो एथरे आमे कोन देखुचे सिंपल जिंस मन रखिबो पॉवर्टी लाइन रे आमे पर कैपिटा देखुचे ओके इट देखो पर कैपिटा कैलोरी इनटेक किमा पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आमे मेजर करूचे आउ कोन देखिले आमे ना तारो प्राइस टा जो अछि से जो 47 जो एथरे आमे डिस्कस करचे सेटा अलगा स्टेट को स्टेट वेरी करि परबे कंट्री कंट्री को कंट्री भी वेरी करि पारे सो एथरे देखो नेक्स्ट आमे देखिबा पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो ओके सो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी माने केते मात्रा रे पॉवर्टी अछि ताकु आमे जदि कैलकुलेट करिबा सपोज आमे कहिबा इंडिया रे आमे केते केते पॉवर्टी अछि ताले आमे ताकु कोन कहिबा ना पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो बा हेड काउंट रेशियो रे आमे मेजर करिबा सो इट इंडिकेट परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन बीपीएल ओके सो केते लोक बीपीएल लेवल तले बास करुछंती बा रहउछंती सो ताकु जदि आमे कैलकुलेट करिबा हेड काउंट रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल आमे जो डिटरमाइन करले सपोज आमे डिटरमाइन करले 1.90 डॉलर बा 160 पर रुपीज पर डे ओके सो 160 पर रुपीज पर डे जो माने खर्च करि पारु नाहंती किछि लोक खर्च करि पारचंती किछि लोक खर्च करि पारु नाहंती जो लोक खर्च करि पारु नाहंती सेटा ला टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल तापरे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन खर्च करि पारचंती करि पार नाहंती टोटल मिसे देले टोटल पॉपुलेशन ला इनटू 100 ताको हला हेड काउंट रेशियो कहउछि सो एग्जांपल देछि यदि इंडिया रो आमे 2019 रो पॉपुलेशन देखिबा 13.31 करोर केते अछि 1121 करोर अछि सेंसस अनुसार तो एबे यदि आमे देखिबा बीपीएल पॉपुलेशन हमर इंडिया रे केते अछि 13.31 करोर तो 13.31 करोर बाय 1.21 करोर इनटू 100 इज इक्वल टू 11% तो 11% हमर केते अछि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल अछि ओके सो याकु कोन करिवो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक करिवो याकु बेस करिकि एही जो एती पर्सन को से सब्सिडाइज प्रोवाइड करिवो सब्सिडी विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस हमर कमोडिटी किमा हमर फूड सिक्योरिटी सेही अनुसार से डिसाइड करिवो पॉलिसी मेकिंग करि परिवो सो दिस 11% इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ बीपीएल पीपल लिविंग इन अ कंट्री सो ओवरऑल इते ये इंडिकेट कोन करूची हेड काउंट रेशियो बा पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो कोन इंडिकेट करूची ना इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन ए नेशन सो हेंस इट इज आल्सो टर्म्ड एज पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो तो तमे कोन करिवो ना ए जो फर्स्ट जब हम पॉवर्टी देखिले तमे शॉर्ट नोट करिवो तमे तो सपोज एबे तमे गोटे खाता धरिकी बसछ ताले कोन करिवो मु जो जिनस गुडा पढौछि तमे निजो माइंड अप्लाई करिवो पॉवर्टी पढुछ पॉवर्टी रे आमे देखिले व्हाट इज पॉवर्टी जस्ट लेखि देलो तापरे तमे क्लासिफाई करलो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आउ इनइक्वालिटी जोटा रिलेटिव पॉवर्टी आब्सोल्यूट पॉवर्टी रे तुम कौन कौन लिखिल तार कनसेप्ट लिखिल मेजर मेजर केमती मेजर करुचे बीपीएल तापरे हेड काउंट रेशियो तापरे एबे जहाँ पढ़िया लिखिब तापरे ए साइड रे पुनी आ गोटे तार अलग जो नेक्स्ट आम जो पढ़िया लिखिब तापरे आ गोटे लिखिब एमती कि तुम जस्ट तुम माइंड मैप करिब ओके जदि एटा न करिब ताले तुम सब जिन आउ 10 दिन पर सेटा नथिब मुंड रे सो एज पर एप्रिल 2020 रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक इंडिया रो हेड काउंट रेशियो केते अछि 13.4% इन 2015 बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन सो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो कहू छी हमें 1.90 डॉलर सो 1.90 डॉलर ताकू जदि हमें कंसीडर करू छी 2020 सुधा हमर केते पॉवर्टी अछि
13.4%. Okay. So driving factor behind this drastic reduction in poverty has been identified as rural electrification, spending on schooling of girl, etc. तो एबे आगरु जो हमरो आमे जो नेक्स्ट पढ़िबे हमरो जो मेजरमेंट जो पॉवर्टी मेजरमेंट करूथले पॉवर्टी को आमे एस्टीमेट करूथले केते परसेंट पोर होछंती आमरो से बहुत सारा देखिबो तेंदुलकर कमिटी माने 31% कि 29% आउ रंगराजन कमिटी भी सही पाखा पाखी सो से जो एत्ते सारा जो देइथले एबे हमरो जदी हम देखुचे अप्रैल 2020 सुधा एमे हमरो पॉवर्टी केते अछि 13.4% अछि तनु बहुत सारा हमरो पॉवर्टी रिडक्शन हे गलानि से जिनसटा से इथरे कहुचि तापर देखो नेक्स्ट आउ गोटे टर्म अछि पॉवर्टी गैप रेशियो ओके सो पॉवर्टी गैप रेशियो कोन ना आमे जदी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को आमे मेजर करबा इंटेंसिटी माने आमे सेथरे आमे कोन देखले केते नंबर ऑफ पीपल इथरे रहउचंती बिलो पॉवर्टी लाइन जदि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी माने कोन ना एठे आमे देखिबा आमे इथरे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जेतेबेला आमे पढुचे ताकु आमे कोन कहउचे ना पॉवर्टी गैप रेशियो बोली भी कहउचे ताले पॉवर्टी गैप रेशियो कोन तो एथरे आमे देखिबा व्हाट इज पॉवर्टी गैप ओके सो पॉवर्टी गैप माने सिंपल मन रखो एथरे दीटा जिंस अछि गोटे डिफरेन्स अच्छे पॉवर्टी गैप मैंने सिंपल जानपर दिस इज द डिफरेन्स तेना पॉवर्टी गैप इज द डिफरेन्स बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द आवरेज आक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द बीपीएल हाउसहोल्ड सो आम जो डिसाइड कले वर्ल्ड बैंक जो डिसाइड कला 160 रुपीज पर डे जी खर्च करुच्चर हमें अपर अपर आम बिलो पॉवर्टी लाइन तले हो जाने रोते तो 160 रुपीज जी खर्च कर पार्नि से बीपीएल पपुलेसन रही सो एथिरे कोन होची ना किए 150 रुपीस खर्च करची किए 140 रुपीस खर्च करची किए 100 रुपीस खर्च करची किए किछ खर्च करूनी त सेई जो टोटल आमे पॉपुलेशन को जदी आमे सेई जो लोक मानकर एक्सपेंडिचर को आमे कैलकुलेट करकी जदी आमे एवरेज बाहर कर देला एवरेज बाहर करले सपोज आमर केते हला 1110 हे गला ओके सो 110 जो हला आमर बीपीएल लाइन डा केते 160 रुपीस आमर एवरेज केते हला बीपीएल मानकर 110 तेणु 160 आउ 110 जो डिफरेन्सटा है ताको आमे कौन कहे पॉवर्टी गैप कहे तेणु इट इंडिकेट आवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन तेणु इधर देख मैथमेटिकल टर्म से जिनसा कही पॉवर्टी गैप रेशियो इज इक्वल टू पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स माइनस आवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा ऑफ ए बीपीएल हाउसहोल्ड बाय पॉवर्टी लाइन ओके सो इधर मुझे जस्ट गोटे जिनस कहली माइनस करके कौन कर रेशियो जेहेतु बाहर कर आम मुझ कौन कहली पॉवर्टी गैप तेणु पॉवर्टी गैप 160 माइनस 110 कले जदि पॉवर्टी गैप रेशियो करवा 160 माइनस 110 बै 160 करवा ओके सो से जिनसटा ये से तेणु एक्जामपल देख से 400 330 देखिए आउ 400 डिवाइड कर तार के 17.5 सो 17.5 जो अच्छे 17.5 ये 100 गुणब ना ना सो 17.5% जो गैप अच्छी सो यहाँ कौन इंटेनसीटी अफ पॉवर्टी ओके सो से जो 17.5% को आम कह इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी तेणु इंडिया रे हमर केते पॉवर्टी अच्छी हमर 17.5% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी अच्छी सो थ्रो दिस मेजर गवर्नमेंट कैन डिराइव द पर कैपिटा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट पॉवर्टी सो एथरे गवर्नमेंट कौन जानी पारिबो ना केते अमाउंट से ट्रांसफर करिबो पॉवर्टी को एलिमिनेट करिया पई सो याकू केमती करिबो थ्रो परफेक्टली टार्गेटेड कैश ट्रांसफर ओके सो परफेक्टली टार्गेटेड कैश ट्रांसफर थ्रो रे से पॉवर्टी को एलिमिनेट करि परिबो बट से को वे रे पॉवर्टी को एलिमिनेट करिबो गवर्नमेंट सेमती किछ मेकानिजम से बाहर करि परुनी से खाली जस्ट सब्सिडी दे दउची से लोक पाखरे पहुंचुची कि नाही से केबे जानि परनी बहुत सारा एक्चुअली कोन होची गवर्नमेंट से बहुत सारा जिंस प्रोवाइड करुची बट तारो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हे परुनी ओके सो एटा जस्ट आम कौन गोटे सिंपल वे आम बुझुचे जस्ट जानापे एटा जस्ट सपोज गवर्नमेंट एटा भाविदेला हाँ यार पर कैपिटा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर एति की दरकार अच्छी या देदेवी गरीब लोक को तो गरीब पॉवर्टी हटिज तो सेटा केपे ना सो से देख मोर द पॉवर्टी गैप मोर द ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग बीपीएल हाउसहोल्ड एबव पॉवर्टी लाइन सो पॉवर्टी गैप केते बेले मोर हबो इथरे जस्ट एनालाइज कर सपोज ये 110 कहली जदि बहुत सारा लोकंर खर्च जदि 100 तल्कू थी तेल केवरेजा 100 ऊपर को हेब किपर तेणु सपोज
75 हेला, आवरेज टा 75 हेला, सो ओवरऑल जदी 75 हेला तार गैप टा केते बढी गला देखो ना नै, तनो जेहेतु यार गैप बहुत बढी जाउची सेति पई से लिखुची मोर द पॉवर्टी गैप मोर द ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग बीपीएल हाउसहोल्ड अबव द पॉवर्टी लाइन। तनो एई जिंसा टा मन रखिबो मोर पॉवर्टी गैप मोर अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बीपीएल हाउसहोल्ड टू अबव पॉवर्टी लाइन। तापर लास्ट पार्ट स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स एटा गोटे इंडेक्स मन रख, सो एटा गोटे इंडेक्स जेतु ये को या को केमती मेजर करछे बा कोन एटा यार काम कोन ताको हमकु देखिवार छि। सो मन रख स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स जदि हमें कहू छे यार काम कोन ना डिग्री ऑफ पॉवर्टी फॉर ए गिवन एरिया, गोटे एरिया रे केते डिग्री रो पॉवर्टी अछि ताको हमें का थ्रो रे मेजर करूचे स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स थ्रो रे करूचे। सो दिस मेथड स्क्वायर्स द पॉवर्टी गैप फॉर ईच इंडिविजुअल आउ हाउसहोल्ड। इथरे आमे कोन कले ना टोटल आमे ओवरऑल मानकर ओवरऑल जो आमर जो ओवरऑल करी कि जस्ट माइनस कले पॉवर्टी गैप कले, बट एटी आमर इंडिविजुअल लेवल ले ईच इंडिविजुअल लेवल ले किमा ईच हाउसहोल्ड लेवल ले आमे जदी पाउचे ताको आमे कोन कहूचे स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स कहूचे। तो दिस शॉर्टफॉल्स ऑफ बीपीएल पीपल आर स्क्वायर्ड गिविंग द वेरी पोअर मच मोर वेट दैन दोज फॉलिंग ओनली फ्यू सेंट शॉर्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। सो एथरे से कौन कहूँ ना स्क्वायर पॉवर्टी गैप जो कही तार फॉर्मूला किसी से मेंशन करनी कौन पाई ना से कॉम्प्लेक्स टी फॉर्मूला यार कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स अच्छी से तुम्हें सिंपली मन रख स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स र काम कौन ना से डिग्री ऑफ पॉवर्टी गोटे एरिया को नहीं कि गोटे पर्टिकुलर एरिया रे से मेजर करे बा डिटरमाइन करे ताको हमें स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स कहूचे। सो या को किए कही परिबो हमें जो चैप्टर डिस्कस करले कौन कौन थिला किए जस्ट रिमाइंड करी परिबो सो पॉवर्टी लाइन थिला हेड काउंट रे पॉवर्टी लाइन हेड काउंट रेशियो देन पॉवर्टी गैप रेशियो स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी केमसे मेजर करियो हमें इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी केमसे मेजर करियो पॉवर्टी गैप रेशियो सर टोटल नंबर पॉवर्टी माने पॉवर्टी टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 यस परसेंटेज ऑफ बीपीएल ओके। सो ताकु हमें कोन कहूचे पर कैपिटा पर हेड काउंट ना नहीं एडी हमें कोन काउंट रेशियो हेड काउंट रेशियो हेड काउंट रेशियो तो इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी जो कहूचे पॉवर्टी देखो इट मेजर्स द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी मु पचली ताल इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हमें केमती मेजर करचे सर पॉवर्टी के माने से पॉवर्टी लाइन द डिफरेंस बिटवीन और जो एक्चुअल मंथली कंजप्शन माने बीपीएल हाउस होल्ड रो एक्सपेंडिचर सेटा को पॉवर्टी माने दुइटा रो डिफरेंस पॉवर्टी गैप ठीक है भूल गई सर 100 से मल्टीप्लाई करियो पॉवर्टी लाइनिंग माने तारो एवरेज मन रखियो जो हां सर एवरेज बीपीएल तळे रहिले बीपीएल तळे जो लोक मान रहिले तांकर एक्सपेंडिचर एवरेज एवरेज जदि न कहिलो ताले भूल गेला ओके सेति पई देखो एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन ओके तापर देखो नेक्स्ट एक्चुअली कॉन्सेप्ट गुडा से गुडा रहिला बट एडा एबे जस्ट आसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स माने इट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली मल्टी डायमेंशनल माने बहुत सारा डायमेंशन अछि सो एथरे आमे देखिबा यारो काम कोन ओके। सो बेसिकली ए जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोन ना ये कोन कोन जिंस चेक करे ना बेसिकली पोर पोर हेल्थ लैक ऑफ एजुकेशन इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ए सब जिंस को से कोन करे मेजर करे से ताकु नहीं कि गोटे इंडेक्स प्रिपेयर करे। सो दिस डेप्रिवेशन एंड आर मेजर ऑन हाउसहोल्ड एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल गोटे हाउसहोल्ड लेवल ले भी से मेजर करे इंडिविजुअल लेवल ले भी से मेजर करे। तेणु मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स अक्यूट पॉवर्टी बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग डिप्रिवेशन इनस्टेड ऑफ वर्ल्ड बैंक मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी दैट कैप्चर्स दोज लिविंग ऑन लेस दैन 1.90 डॉलर पर ए डे। इथरे जस्ट आमे जो आगरु टिके देखिले कोन देखिले सेथिरे आमे देखिले जे
जस्ट खाली आम आब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर कर देले 1.90 तले जे रहिला से पोर बट से को आंगल रु पोर ताकू तो आम डिस्कस करै नांती ना नै तणु एथिरे आम कोन कले ना यूएनडीपी आउ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोन कले ना 2010 रे ए इंडेक्स आनले सो ए इंडेक्स आनी कि से माने कोन कले ना को को लोक हेल्थ रे पछुआ को लोक एजुकेशन रे पछुआ तो सेही जिंस को नै कि ओडे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्रिएट कले सो से देख आगु जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स थी को रिप्लेस किए कला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सो एतटा डायमेंशन यूज होनिटा डायमेंशन यूज होनिटा डायमेंशन आउ 10 इंडिकेटर यहाँ इंपोर्टेंट सब तीनटा डायमेंशन कौन कौन एजुकेशन हेल्थ आउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशन हेल्थ आउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मन रखिपर तो एजुकेशन भितर दुटा इंडिकेटर अच्छी इयर ऑफ स्कूलिंग आउ स्कूल अटेंडेंस इयर ऑफ स्कूलिंग केते इयर स्कूल स्कूल अटेंड करछंती आउ स्कूल अटेंडेंस ओके एटी देखो इयर ऑफ स्कूलिंग को जदि मेजर करिवो इफ नो फैमिली मेंबर ग्रेटर देन 10 इयर ऑफ एज हैज कंप्लीटेड 6 इयर ऑफ स्कूलिंग ताकु आमे माने डिप्राइव इफ एथरे केते बड़ डिप्राइव हेबो ना गोटे फैमिली मेंबर नॉन फैमिली मेंबर नंबर ऑफ नॉन फैमिली मेंबर ऑफ जो एज थी ग्रेटर देन 10 ईयर एज हैज कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग सो एमती है कि स्कूल अटेंडेंस जो हमें कहवा क्लास 7 क्लास 8 जे अटेंड करनी से डिप्राइव जे 8 क्लास अटेंड करनी से स्कूल डिप्राइव बोली हमें कहवा तेणु सब ये इंडिकेटर गुड़ाक से हेल्थ एजुकेशन आउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भितर से रखी तुमको इंपोर्टेंट कौन ना तीनटा डायमेंशन आउ 10टा इंडिकेटर मन रख 10टा इंडिकेटर भितर सबुठ बे इंडिकेटर कौटी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे अच्छा आउ वेटेज ताले जदि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे बेसी अच्छा माने बेसी इंडिकेटर अच्छा वेटेज ओब्वियसली कमी जीवो तेणु समस्त जदि 1/3 1/3 1/3 है तो यहाँ जदि 6 हो गला 6 भाग रे डिवाइड हो गला ताले केते हो 1/18 हो जीवो एगुडा सब 1/18 अच्छे देख जदि हेल्थ आम दुटा भाग रे डिवाइड होती 1/3 बै 1/2 तो 1/6 हो गला सेमती एजुकेशन भी 1/6 हो गला तेणु सब हाइस्ट वेटेज कह रहा इयर ऑफ स्कूलिंग स्कूल ऑफ अटेंडेंस चाइल्ड मोर्टालिटी न्यूट्रिशन ओके आउ एम सब 1/18 रहा तो या को लेकिन आम गोटे क्वेश्चन पचार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी देख मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेवलप द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ यूएनडीपी सपोर्ट कवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग deprivation of education health asset and services at household level purchasing power parity at national level extent of budget deficit and gdp growth rate at national level select the correct answer using code given below only one okay so tumhe jodi detail padithibo tale tumhe confidently koi paribo only one hobo to answer hobo a तो ए जो आंसर को स्क्रीन देखा लाउनी स्क्रीन दिखाओ नहीं ओके ओके बाहर के अगर रीजॉइन करो देखा जो बधे नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी देखा जाए नहीं स्क्रीन बड़े-बड़े ओके तो ये कौन करिवो ना मुझे आंसर प्रोवाइड करी से जो एक्चुअली आम कौटा डिस्कस कर 2019 पार्टा डिस्कस करे ओके सो 2019 पार्ट को ता बदल कौन कर 2020 जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अच्छी तार डिटेल पढ़ो आउर तुम कौन डाटा पाइल नुआ डाटा ताकू तुम एथे की फाइंडिंग जो अच्छी तुम की फाइंडिंग जो अच्छी समस्ते किसी पार्ट तुम गोटे गोटे जोटा तुमको इंपोर्टेंट लगे तुम ग्रुप पोस्ट कर ओके सो एमती कि ये आंसर सीट को जाकि तुम चेक कर बहुत बड़ टी डाटा अच्छी तुमको एटलिस्ट 15-20 मिनिट्स लगे डिल करने ये पार्ट को किंतु बहुत इंपोर्टेंट तुमको कौन पर तुम देख ज्योग्राफी ऑप्शनल थी तार 20 मार्क क्वेश्चन आमपीआई भितर तापर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो से सब जिनस एसए भी तुम पढ़ू तेणु समस्त इंपोर्टेंट सोशल इश्यू पार्ट भी इंपोर्टेंट एटा पेपर 1 सो ये देख मैथमेटिकली से कही एमपीआई इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फॉर
दैट इज इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इनटू एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एमपीआई पॉवर्टी अक्रॉस द पोर। तो ये पार्ट तुमको एते इंपोर्टेंट नाही, बट तार जो से यो डायमेंशन उडा को तमे मन रखिबो। तापरे ए जो रिपोर्ट जो अछि एटा इंपोर्टेंट नाही, तमे 220 रिपोर्ट जो अछि आंसर शीट रे ताको तमे चेक करिवो। तापरे एबे हमें आउट नुवा कांसेप्ट देखिबा, कोन ना एस्टीमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हमें एस्टीमेट केमती करिवा। मन रखो आम आब्सोल्यूट पॉवर्टी को एस्टिमेट केमती करिया पड़ुछे। ओके सेतिपे तीनटा मेथड अच्छी, गोटे है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बा यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, आउ गोटे है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बा नेक्स्ट है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तेणु ऑब्वियसली यार डेवलपमेंट पार्टा मिक्स्ड रही थो यूनिफॉर्म रो मिक्स हो थो मिक्स रु मॉडिफाइड मिक्स हो थो तार डेवलपमेंट पार्टा। तेणु फास्ट आम स्टार्ट जितेबाला होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड स्टार्ट होगा, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड स्टार्ट होगा, मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड स्टार्ट होगा। सो इट दे मन रख बेसिकली एनएसएसओ कौन कला ये पॉवर्टी लाइन को केमती एस्टिमेट कला ना सबू आइटम जिते सब आइटम एमें कौन बेसिकली आम कौन आइटम मैंने कौन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो करुचे आम से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने केमती हो बहुत सारा आइटम को लेकिन करुचे ना ना। सो कौ आइटम के प्राइस रोच ताकू बेस करके आमर से आइटम गुड़ाक कलेक्ट करने पड़ी क्या एनएसएसओ को तार प्राइस को। सो से जो ऑल आइटम जो कलेक्ट करने पड़ू एनएसएसओ को से केते बेले ताकू सब ताकू कौ तार गोटे पीरियड थी सब सब मसरे कि सब सप्ताह कि सब वर्ष ताकू देख तेणु से कौन करूला ना यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड रे एनएसएसओ से जो ऑल आइटम गुड़ाक कंजम्पशन डाटा फॉर ऑल आइटम कलेक्ट करूला के 30 डेज रिकॉल पीरियड सबू 30 डेज रे चेक करने पड़ूला। ओके यहाँ यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, बट मिक्स रेफरेंस पीरियड कौन है ना 1993-94 यहाँ होता 1993-94 आगु यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड चलता, बट मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कौन है ना 1993-94 एनएसएसओ स्टार्ट कला एमआरपी बा मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये कौन कला ना से जो सब डाटा जो कलेक्ट करूला सब डाटा सब कंजम्पशन डाटा को जो कलेक्ट करूला से कौन कला ना किसी डाटा को से कौन कला ना 365 डेज रे कॉल कला। ओके 365 रे कॉल कला कौन पाई ना सेगुडा कौन थिले सेगुडा नॉन फूड आइटम थिले। नॉन फूड आइटम किए किए क्लॉथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल गुड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस। आम जदि एजुकेशनल गोटे कोचिंग सेंटर सपोज तुम एडमिशन करुचो बा गोटे कॉलेज रे एडमिशन करुचो सेटा कौन वर्ष को फी देके एडमिशन करुचो ना नहीं तो वर्ष को जो फी दौ से सही सेन्स तुम बुझ क्लोथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल गुड्स एगुड़ा कौन वर्ष को आम खर्च करचे से वर्ष गोटे वर्ष को सी कलेक्ट कला सब वर्ष को सी कलेक्ट करूला। ओके फॉर ए 365 डे रिकॉल पीरियड, बट नेक्स्ट रेस्ट पीरियड गुड़ाक जो जमी करूला से 30 डेज से 30 डेज कला। सो रिमेनिंग आइटम आर कलेक्टेड फर 30 डेज। तेणु मन रख मिक्सड रेफरेन्स पीरियड ये तुम गोटे डायग्राम करदेव यूनिफॉर्म रेफरेन्स पीरियड में कैत 30 डेज पीरियड ऑल आइटम तापरे मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ये दुईटा पार्ट करदेव गोटे है कौन ना ये जो 5 नॉन फूड आइटम ताकु 365 डेज तापरे रहिला कौन रिमेनिंग आइटम 30 डेज तापरे एबे आम कौन करिबा ना ये मन रख गोटे जिनस करेन्टली ऑल पॉवर्टी लाइन जो अच्छी एस्टिमेट करुचे आम मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को बेस करके एस्टिमेट करुचे। तापर अभी आम आसवे मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ताले आम तो ये सब चेंज कले पुणी आ थोर कौन दरकार है। सो ये पुणी कौन कले ना रंगराजन कमिटी जो आसला रंगराजन कमिटी से कौन कले ना मिक्स्ड मॉडिफाइड रिमिक्स रेफरेंस पीरियड को यूज कले। सो ये कौन कले ना से जो आगुरी कौन होता 30 डेज होता 30 डेज रु किसी पार्ट 365 डेज को गला आउ रेस्ट पार्ट 30 डेज को गला। ए गोटे जिनस नुआ इंट्रोड्यूस है किसी पार्ट 7 डेज रिकॉल पीरियड को गला कौन पर ना से गुड़ा बहुत जल्दी कंजम्पशन होता कौन कौन एडिबुल ऑयल एग फिश मीट वेजिटेबल फ्रूट स्पाइस बिवरेज रिफ्रेशमेंट प्रोसेस फूड। तेणु एमकर कौन दरकार 7 डेज रिकॉल पीरियड रखाला। तेणु से तुम कौन कर मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड हाइपेन देदेव ये कौन दे लिख सेम लिख आमर कौन 5 नॉन फूड आइटम 365 डेज तापरे रेस्ट जो 30 रेस्ट ला 30 डेज जो रहला आउ जो बेसिकली आमर ए जो एडिबुल ऑयल एग फिश ताको तुम लिख देबो 7 डेज पीरियड। तेणु एतिक रे तुम ए जिनसा तुम बुझी पारिबो। ओके सो जस्ट खाली रिकॉल पीरियड को बेस करके आमर
रेफरेंस पीरियड जो अच्छी से रेफरेंस पीरियड को से मेंशन करी छी। सो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो करथिला मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड जो हेतला सेटा एनएसएस केबे करथिला ना पॉवर्टी को कंप्यूट करिया पे 2009-10 और 10-11 रे करथिला। सो रंगराजन कमिटी तार रिपोर्ट जो देथिला 2014 रे रिकमेंडेशन करथिला जे एमएमआरपी यूज करिया पे रिकमेंड करथिला। आ वर्ल्ड बैंक भी से कहउची जे एमआरपी रु एमएमआरपी को से तमे नै जाओ। सो एबे सुधा हमरो से एनएसएस जो करथिला सेटा डिसकंटिन्यू हे कि पुणि आथरे एमआरपी को नै कि से फॉलो करूची। सो एटी हमरो कोन हमरो डिफरेंस ताले कोन करूचे ना यूआरपी मेथड जेते बळे यूज करचे कोन होउची एमआरपी मेथड जेते बळे यूज करचे कोन होउची एमएमआरपी मेथड जेते बळे यूज करचे कोन होउची। सो पॉवर्टी एस्टीमेट विल बी हाईएस्ट एज कंपेयर टू एमआरपी और एमएमआरपी। मन रखिबो यूआरपी मेथड रे पॉवर्टी एस्टीमेट विल बी हाईएस्ट यदि कंपेयर करबा एमआरपी और एमएमआरपी रु। आउ एमआरपी रे कोन हो ना पॉवर्टी एस्टीमेट विल बी लेस कंपेयर टू यूआरपी बट विल बी मोर इन केस ऑफ एमएमआरपी। ताले एमएमआरपी एस्टीमेट रे हमें कोन हो एमएमआरपी मेथड यदि यूज करबा पॉवर्टी एस्टीमेट सबटु लॉयर हो एज कंपेयर टू यूआरपी और एमआरपी। तनु ए जिनछडा मन रखियो सर गोटे क्वेश्चन पचार सर ए जिनसटा कोन पे माने एमिति कोन पे होउची। हां इथरे हमर जो प्राइस जो अछि प्राइस कोन होउची ना सपोज हमर आगरु कोन होतला ना खाली गोटे वर्षर प्राइस टाकु हमें 30 डेज प्राइस टाकु हमें चेक करथले 30 डेज प्राइस टाकु जदि हमें चेक करथले तार सेमति किछि डिफरेंस किछि आसु नथला तो सेटा को हमें कोन कहउछे यूआरपी कहतले। सो यूआरपी तापर जदि हमें कंपेयर करबा एमआरपी रे हमर कोन हला ना किछि आइटम र प्राइस हमर कंजम्पशन जो डाटा हला से कंजम्पशन डाटा को से चेंज कलेनी चेंज जेहेतु कलेनी से जो सपोज वर्षर स्टार्टिंग रे से नै गले वर्षर जो स्टार्टिंग रे नै गले परे से जो वर्षर प्राइस टा बढ़ी जाइतिबो ना नै से ऑब्वियसली सपोज आजिरो ड्रेस जदि आजि तमे ड्रेस टा किनो जो 150 रुपीज रे ताले आउ 5 मास परे 160 रुपीज थिबो कि जहाले भी 20 30 टा बढ़ी जाइतिबो तणु ताकु जदि आमे कैलकुलेट करिवा एथिरे हमर कोन होउची ना हमर आमर कोन होचला एथिरे आमे मास को कैलकुलेट करथले से जिंसो उडा को मास तो एथिरे आमे प्राइस टा बढी जाउतला इन्फ्लेशन हे की बट एथिरे जेहेतु से जो वार्षिकीय जिंसो उडा को आमे कोन कर देले वार्षिकीय जिंसो उडा को जस्ट गोटे थरे कैलकुलेट कर की रखी देले तणु सेटा तार प्राइस बढी लागी प्राइस बढी लानी तणु सेटा ऑब्वियसली से प्राइस टा जेहेतु कमी गला ताले से जो पॉवर्टी एस्टीमेट तार कमी जीवो ऑटोमेटिकली जेहेतु बढी जीवो एटा ओके तो सही सेंस रे तमे बुझ परियो तापरे एमएमआरपी भी ताकु सही सेतरे हमर 7 डे जो इंट्रोड्यूस हला सेतरे आउट के हमर पेरिसेबल कमोडिटीज इंट्रोड्यूस कर देला एमएमआरपी रे। हां पेरिसेबल कमोडिटीज जल्दी खराब हो जाए ना 7 दिन भितरे फ्रूट्स जो वेजिटेबल सेटा इंट्रोड्यूस कर देला गोटे 7 डे ट्रायल भितरे हो। हां इंटैक्ट क्लासिफिकेशन ओके तापरे देखो इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन वर्सेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। सो आमे बेसिकली आमे कोन डिस्कस करचे कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करचे तो एडी एनएसएस कोन कला ना एनएसएस एस्टीमेट द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट सेड टू बी बेटर मेजर देन इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन फॉर रीजन सच एज फॉलो। तुमको के भी क्वेश्चन करि पारे जे आमे कोन पे सब कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर को कंसीडर करचे इनकम बेस्ड कंजम्पशन को कोन पे करि पर्नांती। सो इट लिखा होची इनकम इज इरेगुलर फॉर ए मेजॉरिटी ऑफ हाउसहोल्ड इन ए इनफॉर्मल सेक्टर बट देयर कंजम्पशन पैटर्न आर कंपैरेटिवली स्टेबल। कोन पई ना सपोज मु इथरे सैलरी पाउची ए मास मु सैलरी पाइबिनी तो ए मास मु जदी सैलरी पाइबिनी ताले मोर तो कैलकुलेट हेबोनी सेटा ताले मु कोन करबी ना मु जदी सैलरी पाइबिनी मु कोन खर्च करि परबिनी खर्च करबी पाडु धारानी की एडजस्ट करबी ना नै तो सेई जो मु ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर ता जाले भी करबी एक्सपेंडिचर न करे तो मो पाखरे बाट तो नै तेणु से जो एक्सपेंडिचर डाटा बहुत इंपोर्टेंट। तापरे यूज ऑफ यूआरपी एमआरपी एंड एमएमआरपी मे नॉट बी फिजिबल टू कंप्यूट इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन। सो आमे कोन करचे जति हमर खर्च होची से तार प्राइस टाकु आमे कैलकुलेट कर दोचे बट आमे जते इनकम करूचे से यूआरपी एमआरपी रो किछि तार सिग्निफिकेंस रहिबनी। तापरे देखो आमे बेसिकली आमे पॉवर्टी रो बहुत प्राय 80% पार्ट कंप्लीट कर देले। सो पॉवर्टी को मेजर करिया पे आमे देखिबा फ्री इंडिपेंडेंस एस्टीमेट ओके। सो प्री इंडिपेंडेंस एस्टीमेट जेमती आमे दि दिन आगु डिस्कस करथले कोन डिस्कस करथले ना दादा भाई नारोजी फर्स्ट से करथले एस्टीमेट पॉवर्टी
तो इथिरे तारो बुक तांकर जो बुक लेखाई छि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेथिरे से मेंशन करथले जे आमर बेसिकली फर्स्ट आमे कोन पढथले नेशनल इनकम पढथले नेशनल इनकम केते करथले 20 रुपीस से कहिथले सो एथिरे से जो पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी लाइन देखो मन रखिवो केते कहिथले 60 टू 35 पर कैपिटा ईयर फॉर 1867 68 प्राइस बट ही नेवर यूज द वर्ड पॉवर्टी लाइन बट इनस्टेड यूज सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन तापरे लेटर इन 1938 नेशनल प्लानिंग कमिटी जे की हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू सी कौन कले ना मिनिमम इनकम बेसिकली मिनिमम इनकम केते 15 टू 25 पर कैपिटा पर मंथ एट प्री वार प्राइस तो एथिरे कौन एटी ताले कौन ना एटी देखो पॉवर्टी लाइन जो कहिले एटी से कंजम्पशन कहिले कि प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट रे देखो दादा भाई नारोजी से कौन कहिले एटी किछि लेखा हैनी देखो ना नहीं 16 टू 35 से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना खाली जस्ट पर कैपिटा पर ईयर सेटा मे मते लागु छै ना इनकम पर कैपिटा ओके केते इनकम करथले सेमती 1938 रे कौन कले ना नेशनल प्लानिंग कमिटी सेमती तांकर से मिनिमम इनकम टा केते रखिले 15 टू 25 पर कैपिटा पर मंथ एट प्री वेयर प्राइस हाउएवर इट वाज नॉट टैग्ड एज पॉवर्टी लाइन ऑफ द कंट्री सो ताले केमती आसला ना पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस रे बहुत सारा कमिटी आसले सेथिरे देखो चारिटा कमिटी इटा इंपोर्टेंट नो बट खाली जस्ट जानिथिबो जे मिन्हा स्टडी अलुवेलिया स्टडी ओझास एस्टिमेट वर्धन स्टडी तो एमाने कौन कले ना ऑल फोर कमिटी यूज द सेम सोर्स ऑफ डाटा फॉर देयर स्टडीज बट देयर एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी वर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय देम सो एस्टिमेट फर्स्ट देखो 56 57 रे हमर इंडिया रो पॉवर्टी केते थिला 65% थिला तापरे अलुवेलिया जो आसले 60 61 रे ओझा भी से 60 61 रे आसले तांको अनुसार देखो पॉवर्टी लाइन केते रहिला 39 44% बहुत कमी गला पुणी 68 69 रे बर्धन कहले 54% अछि पॉवर्टी तो याकु छाड़ी की जो रेस्ट रहिला सब इंपोर्टेंट ओके सो इथरे कौन कौन सब मेथोडोलॉजी यूज करले को को जिन सब यूज करले सेई उडा को तुमको देखिया में पड़िबो सो सबुडू मन रखियो बीएम दांडेकर हला 1971 रे आस्तले सो बीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रथ कमिटी सो इथरे कौन कले ना एतिकी कैलोरी इनटेक एज द डिजायर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पर कैपिटा पर डे ओके सो केते ना 2250 कैलोरी इनटेक एज डिजायर मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पर कैपिटा पर डे एंड ऑन दैट बेसिस एस्टिमेटेड पॉवर्टी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू रिक्वायर्ड मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सो हमने पूरा खाली से कहले नि जे खाली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एतिकी इतले हेबो 2250 कैलोरी इनटेक करिया पई जेति कि आमे एक्सपेंडिचर करूचे सेही एक्सपेंडिचर टाकु से कहले सेटा गोटे कौन तांको पे बेंचमार्क बा पॉवर्टी लाइन हिसाब रे से कहले मिनिमम कंजम्पशन लाइन तो एडी पॉवर्टी लाइन तो कहिनांती मिनिमम कंजम्पशन लाइन तळे जे मिनिमम कंजम्पशन लाइन जे सटिस्फाई करि पारुनी ताकु आमे पॉवर्टी रे कंसीडर करिबा तेनु एडी देखो रूरल एरिया पे से कहले 40% आउ अर्बन एरिया पे कहले 50% बट कैलोरी जो अछि कैलोरी को से एकदम किछि कहि नथले ओके सो हेड काउंट रेशियो जो आमे डिस्कस करथले टिके आगुरु हेड काउंट रेशियो एचसीआर माने कोन हेड काउंट रेशियो तनो इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया इज 40% इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया इज 50% ताले एबे आमे देखिबा नेक्स्ट कमिटी वाईके अलग टैक्स फॉर एथिरे आउ कोन डिफरेंस रहउछि ताकु जस्ट डिफरेंशिएट करिवो आउ केबे केबे हितला ताकु भी जस्ट मन रखिवो 1977 रे कॉन्स्टिट्यूट हेतिला सबमिट केबे कला 1979 रे कला एटी कौन कला ना पर कैपिटा पर डे जो अच्छी पर कैपिटा पर डे से रूरल एरिया पे कैलोरी इनटेक बाहर कला आउ अर्बन एरिया पे से कैलोरी इनटेक बाहर कला ताले एटी देखो कॉमन थिला 2250 बट ए जो वाईके अलग टैक्स फोर्स रे रूरल एरिया कैलोरी इनटेक 2400 रखला आउ 2100 फॉर अर्बन एरिया रखला सो कौन पे रखला ना रूरल पीपल डू मोर फिजिकल वर्क देन अर्बन काउंटर पार्ट बट इतरे मन रखिबो हेल्थ आउ एजुकेशन जो अछि हेल्थ आउ एजुकेशन को अकाउंट को निया जाई नथिला फॉर मेजरिंग पॉवर्टी ऑन अजम्पशन दैट
गवर्नमेंट वुड टेक केयर ऑफ इट्स। आगुरु कौन भावुले समस्ते ना हेल्थ आउ एजुकेशन कहार काम गवर्नमेंट राम गवर्नमेंट जदि आम देह खराब हे गवर्नमेंट से कथा बुझे तेनाली नहीं आम किसी खर्च करू ना सो से बेस करी से हेल्थ आउ एजुकेशन को कनसीडर कर आउ यार स्पेसिफिक स्पेशियल जिनस कौन रूराल एरिया क्यालोरी इनटेक आउ अर्बन एरिया क्यालोरी इनटेक अलग अलग करागला जोटा कि वाइके अलग टैक्स फोर्स बेसिक मान जोटा कि सिग्निफिकेंस अच्छी तरह तापर डीटी हाँ सो देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग आई थिंक वन ऑफ द मॉक आल्सो कि देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हिच कमिटी फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड कैलोरी वैल्यू एज फॉर कंसीडरिंग द पॉवर्टी So will it be YK alag or the previous one? Because previous one considered that factor, but at the end, that Dandekar he did it with HCR, right? Consumption expenditure with HCR. Hmm. So answer should be YK alag, na? YK question कौन सा है ताकू देखिए मैं पढ़ी हो? Question was that co committee calorie first calorific value को consider करते poverty estimate कर रहा है first. ताले तो बीएम दाने करे वो कैलोरी इनटेक जो फिक्स करतला डिजायर मिनिमम वाईके अलग थिला ताले सी लिखितबो जे कैलोरी इनटेक फॉर हमरो जो नॉर्मल कैलोरी इनटेक जदी कहिबो ताले दांडे करबो जदी वाईके अलग टैक्स फोर्सला माने तारो तारो डेवलपमेंट पैटर्न रूरल आउ अर्बन एरिया पे कैलोरी इनटेक को से बाहर करतला ओ ओके सर ताले आमे आंसर तमे आमे ताले से अलग टैक्स फोर्स को करथिबा ने कि यस सर अलग ही करथिबा ताले सेटा चेक करी आमे चेक करी कि आमे कहियो तापरे देखो डीटी लगदा वाला डी की डीटी लगदा वाला कमिटी एटा देखो 1973-74 सेम वाईके अलग सहित सेम टाइम रे कॉन्स्टिट्यूट हिथला बट एटी देखो कॉन्स्टिट्यूट केबे हिथला 1989 रे बट एटा देखो अलगा अछि बट एटी जस्ट भूल प्रिंटिंग मिस्टेक अछि ओके तो ये तुम या जस्ट क्रॉस कर दबो ना कौन गोटे नोट कर दबो तो ये इंपोर्टेंट 89 रे सबमिट कर 89 रे कॉन्स्टिट्यूट होता 1993 रे सबमिट कर सो ये कौन है ना ये भी सेम कैलोरी इनटेक फॉर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेला पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 2400 पर रूरल एरिया आउ 2100 पर अर्बन एरिया सेम तापरे एटी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड वाज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा सो एटा इंपोर्टेंट यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड आगुरु कंसीडर करा हो नथिला केबे करा हला डीटी लगदा वाला कमिटी रे तापरे एही कमिटी आउ कोन कहिले ना स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को भी डिक्लेअर करिया पे कहिले आमे जेमति पढीथिले क्वेश्चन गोटे करथिले सब स्टेट रे तांकर प्राइस रहइबो अलगा तनु ऑब्वियसली तांकर कंजम हमरो एक्सपेंडिचर अलगा रहइबो तनु तांकर प्राइस लेवल बा तांकर पॉवर्टी लाइन अलगा रहइबो आउ से कौन कहले ना से ए रिपोर्ट रे कौन कले ना सीपीआई पॉवर्टी लाइन टू बी अपडेटेड यूजिंग सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर इन रूरल एरिया एंड सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर इन अर्बन एरिया सो एथरे से डीटी लब्ध वाला कौन कहले ना 54.9% ऑफ पॉवर्टी अछि बोली इंडिया रे कहले ओके तापर लास्ट तापर आउट इंपोर्टेंट देखो 2004 रे आसीला 2004 पर हमर रंगराजन अछि तो एटा ला सेकंड लास्ट कमिटी हमें कही परबा इंपोर्टेंट सो सुरेश तेंदुलकर कमिटी कौन हैला ना ए जो लगदा वाला को नहीं कि आउ कौन डेवलपमेंट कले देखिबा सो देखो इथरे कौन डेवलपमेंट हैला ना दिस कमिटी डिड नॉट कंस्ट्रक्ट ए पॉवर्टी लाइन को से कंस्ट्रक्ट कर नथिला इट अडॉप्टेड द ऑफिशियली मेजर्ड अर्बन पॉवर्टी लाइन इन 2004-5 बेस्ड ऑन लगदा वाला मेथोडोलॉजी एंड कन्वर्टेड दिस पॉवर्टी लाइन फ्रॉम यूआरपी टू एमआरपी कंजम्पशन जस्ट तार मेथोडोलॉजी को यूज कला এই মেথডোলজি কু বট সেই যে ইউআরপি কু ছাড়ি কি ইউআরপি কু রিপ্লেস করলা কোন এমআরপি কনজাম্পশন কু নেকি সে ক্যালকুলেট কলা তেনু সেই যে এমআরপি কনজাম্পশন কু যেতবে নেকি ক্যালকুলেট কলা আমি যে দেখিলে উপরে কোন দেখিলে এমআরপি কনজাম্পশন কু যদি আমি ক্যালকুলেট করিবা তাহলে কোন হবো এস্টিমেট অফ পভার্টি কোন হবো কমি যাব না নাই আমি পড়িছিলে দেখো ইয়ার অফ এস্টিমেট অফ পভার্টি কমি যাইছি सो एटी हला एटा हला माने बेसी इंपोर्टेंट सब तापरे आउ कोन हला ना प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वेयर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन को इथरे अकाउंट को निया गला कोठी को कमेंट रे अकाउंट को निया गला सेटा इंपोर्टेंट तापरे यूनिफॉर्म अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट वाज यूज्ड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया ओके सो यूनिफॉर्म अर्बन पॉवर्टी लाइन इथरे रूरल आउ अर्बन एरिया को
यूज है तापरे 68 जो देइछि हमरो कोन ना दिस वाज मोस्ट मोर देन 21.8% पॉवर्टी फिगर कंप्यूटेड बाय 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सो 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ विषय ताकु टिके हमें पढ़िबा सो 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ देखो 2004-05 अछि सो एथिरे कोन हैला ना ए राउंड रे कोन हैला ना पॉवर्टी एस्टिमेटेड टू बी 28.31% ऑफ यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड एंड 21.8% एज पर एमआरपी यदि यूआरपी को कंसीडर करिवा 28.31% यदि एमआरपी को कंसीडर करिवा 21.38% ओके हाउएवर एज पर तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट एचसीआर वाज मच हायर दैट इज 37.2% बेस्ड ऑन एमआरपी एटा दिछि ओके सो जस्ट खाली तार डिफरेंस टा मन रख आ एई थ्रू आमे एई जो डिफरेंस रो आमे कोन इन्फर करि परिवा ना एस्टिमेट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी बाय तेंदुलकर कमिटी at both 1993 for price and 2004-05 price was much more than official estimate. However, extent of poverty reduction was found by Tendulkar committee was almost similar to other official estimate by NSSO. But ए जो 61st round जो जो NSSO रो estimate थिला सेथिरे तारो difference आसी गला but अलगा सब committee रो जो अलगा सब round रे तारो NSSO सहित प्राय similar रहे एटा हला सबटु मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी रंगराजन कमिटी रंगराजन कमिटी केबे कॉन्स्टिट्यूट हेतिला 2012 आउ रिपोर्ट सबमिट केबे करथिला 2014 रे रिपोर्ट सबमिट करथिला सो इयर डाटा को नेथिला 2011 12 जदि आमे सुरेश तेंदुलकर देखिबा 2004 5 डाटा को नेथिला तो ए जो रंगराजन कमिटी रो डिटेल कोन देखिबा ना अर्बन और रूरल पॉवर्टी को सेपरेटली नेथिला किंतु मन रख एथिरे आमर जो कोन कला सुरेश तेंदुलकर कमिटी यूनिफॉर्म अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट वाज यूज्ड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया जो रूरल आउ अर्बन एरिया रे जो अलगा सब थिला 2400 2100 थिला कोन कला ना एनएसएसओ ई अर्बन एरिया जो पॉवर्टी लाइन को ही कंसीडर करा फॉर बोथ रूरल आउ अर्बन कोडा सुरेश तेंदुलकर बट रंगराजन कमिटी पुणी अथरे से चेंज कला रूरल और अर्बन पे सेपरेटली नेला जेमती लगदा वाला रे नहीं थिला ओके तो जस्ट खाली चेंज करथला कि सुरेश तेंदुलकर कमिटी चेंज करथला एथरे देखो बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम को नेला एक्सपेंडिचर रे तो तापरे नेक्स्ट एमएमआरपी मेथड यूज हे गला इंस्टेड ऑफ एमआरपी सो पॉवर्टी वाज बेस्ड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5 एंड नॉट इंडिविजुअल एज इन केस ऑफ तेंदुलकर कमिटी इट देखो फैमिली एक्सपेंडिचर को भी निया गला तापरे ऑल थ्री कैलोरी प्रोटीन फैट इनटेक वैल्यू आर टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट पॉवर्टी ओके सो कैलोरी प्रोटीन फैट इनटेक ताकु तीनटा जको जिंस को से कोन नेला कैलोरी हमरो इनटेक वैल्यू हिसाब रे नै गला आगरु कोन निया होतला ना खाली कैलोरी को नउतला बट एटी प्रोटीन और फैट को भी निया गला सो एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी जदि हमें देखिबा 29.5% रहिला सो एडी जो थिला हमरो 37.2% जेतु से एमएमआरपी मेथड यूज कोला ऑब्वियसली सही जो हमरो कांसेप्ट अनुसार 29.5% यार पॉवर्टी रहिला ओके तो सही सेंस रे तो मन रख परिबो से सब जिंस तापर एबे हमें देखिबा डिफरेंस बिटवीन तेंदुलकर कमिटी एंड रंगराजन कमिटी तो तेंदुलकर कमिटी रे कोन हैला ना जस्ट तो जानिथिबो तेंदुलकर कमिटी आगो आस्थिला रिपोर्ट 2009 रे सबमिट कोला आउ रंगराजन कमिटी 2014 रे सबमिट कला एथिरे पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर यूज होतला एथिरे कोन इतला ना मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5 वाज यूज्ड पर कैपिटा ही नथला एथिरे गोटे फैमिली रे पांच जण हिसाब रे कंसीडर करकी यूज होतला तापरे एमआरपी मेथड यूज होतला एथिरे तेंदुलकर कमिटी रे बट रंगराजन कमिटी यूज एमएमआरपी मेथड तापरे तेंदुलकर कमिटी कोन कला ओनली कैलोरीफिक वैल्यू वाज यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग एक्सपेंडिचर और रंगराजन कमिटी कौन कला कैलोरी प्रोटीन एंड फैट वैल्यू वाज यूज्ड टू कंप्यूट एक्सपेंडिचर तेंदुलकर कमिटी कौन कहला एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी डिराइव्ड वाज 37.2% बेस्ड ऑन 2004-05 डाटा रंगराजन कमिटी कहला एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी 29.5% बेस्ड ऑन 2011-12 डाटा
ଅଲ ୟୁଜ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ବାନ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ବାସ୍କେଟ ଟୁ ଡିରାଇଭ ବୋଥ ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଡ ରୁରାଲ ପଭର୍ଟି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଦେଖେଇଲି। ଓକେ, ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି ସେପାରେଟ ରୁରାଲ ଆଉ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ବାସ୍କେଟ ଯେମିତି ଲଗଦବାଲାରେ କରିଥିଲା ସେଇଟା ୟୁଜ କଲା। ଲେଟର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ପଭର୍ଟି ରେସିଓ ଫର ଦ ଇୟର 2009-10 ଏଣ୍ଡ 11-12 ବାଇ ୟୁଜିଂ ତେନ୍ଦୁଲକର ମେଥଡ ଏଣ୍ଡ ରଙ୍ଗରାଜନ ମେଥଡ ସେପାରେଟଲି। ତାହେଲେ କାହାରଟା କରେକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଡିରାଇଭ ୱାର ଆଜ୍ ଫଲୋ। ସୋ ତେନ୍ଦୁଲକର ମେଥଡୋଲୋଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସେତେବେଳକୁ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ଦେଖ 2009-10 ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ହେଲା 29.8% ଥିଲା। ଯଦି ତେନ୍ଦୁଲକର ମେଥଡୋଲୋଜିକୁ 2011-12ରେ କନସିଡର କରାଯିବ ତାହେଲେ 21.9% ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ପଭର୍ଟି କେତେ ହେଲା 7.9%। ତାହେଲେ 2009-10ରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ରଙ୍ଗରାଜନ ମେଥଡୋଲୋଜିକୁ 38.2%। ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ 2011-12 ଡାଟାକୁ ନେଇକି କଲା, ତ 11-12 ଡାଟାକୁ କରିକି ଯଦି ସେ ନେଲା 29.5% ରହିଲା। ଓକେ, ସୋ 29.5% ଯଦି ରହିଲା ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିଲା 8.87%। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବା ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଭର୍ଟି ରେସିଓ ଡିରାଇଭ୍ ଥ୍ରୋ ରଙ୍ଗରାଜନ ମେଥଡ ଫର ବୋଥ୍ ଦ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଇଜ୍ ହାୟର ଦାନ୍ ଦ ଡିରାଇଭ୍ ଥ୍ରୋ ତେନ୍ଦୁଲକର ମେଥଡ। ଓକେ, ସୋ ବୋଥ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ରଙ୍ଗରାଜନ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଭର୍ଟି ରେସିଓ ବୋଥ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ହାୟର ହୋଇକି ରହିଲା ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ 29.8, 38.2, 11-12ରେ 21.9, 29.5%। ତେଣୁ ତାର ଅବଭିୟସ୍ଲି ବେଶୀ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ସେନ୍ସସ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପଭର୍ଟିରେ ହିଁ ରହିବା। ଓକେ, ଆଜି ପଭର୍ଟି ହିଁ ପଢ଼ିବା, କାଲି ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା। ବେଶୀ ପଢ଼େଇଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ନା ସବୁ ପଢ଼ିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆରାମସେ ଯିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ହଁ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା, ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ କଭର କରିବା। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ 5-10ଟା କେତେ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ସୋ ଏଇଠି ଦେଖ ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ ବି ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଟେଷ୍ଟରେ। ସୋ ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତ ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1992ରେ ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡର 8th 5-year ପ୍ଲାନ୍, ଯେବେ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ଆସିଥିଲା। ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ହେଲା? 1997 ଆଉ 2002 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଲା 2002ରେ। ତାହେଲେ 2008ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏନ୍ସି ସକ୍ସେନା କମିଟି ଟୁ ଆଡଭାଇଜ୍ ଏ ସୁଇଟେବୁଲ ମେଥଡୋଲୋଜି ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବିପିଏଲ ସେନ୍ସସ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ। ସୋ 2008ରେ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କଲା ଏନ୍ସି ସକ୍ସେନା କମିଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଏନ୍ସି ସକ୍ସେନା କମିଟି ମେଥଡୋଲୋଜି କ'ଣ ଦେଲା ନା, 2009ରେ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଲା ଯେ ମେଥଡୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ ବି ଆଡପ୍ଟେଡ୍। ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ଟୁ ବିପିଏଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ବି ରିଭାଇଜ୍ ଟୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50%। ତାପରେ ଦେ ଆର୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ ଏଲ୍ସୋ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ଲି ନେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ସି ସକ୍ସେନା କମିଟି ଭେରିଡ୍ ଲାର୍ଜଲି ୱିଥ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଇଜ୍ ବୋନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ଏଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ବିପିଏଲ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଫର୍ ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 2011 ଦେର୍ ଆର୍ 24.3 କ୍ରୋର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ 17.91 କ୍ରୋର୍ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଏଣ୍ଡ 60% ଅଫ୍ ଦ 17.91 କ୍ରୋର୍ ରୁରାଲ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ହାଭ୍ ବିନ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ଅର୍ ପୋର୍। ସୋ ଏଇ ଡାଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋର୍ କେତେ ରହିଲେ? ଦେର୍ ଆର୍ 24.3 କ୍ରୋର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ସେଥିରୁ ଆମର ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କେତେ? 24.3 କ୍ରୋର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ନୁହଁ, ଏତିକି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ। ଓକେ, ସେଥିରୁ 17.91 କ୍ରୋର୍ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।
तो आमे जो कहूचे 24.3% जो 3 करोर कहूचे हाउस होल्ड जदि आमे एवरेज एवरेज जदि नै जीवा 5 ताले आमे केते करिबा आमर 25 50 केते होची 24 * 5 केते 100 120 125 120 120 तो 120 करोर आमे हाउस होल्ड रूरल एरिया बोली से कहूची ओके से मु जस्ट कहूची से कहूनी से कोन पे 5 टा मु कैलकुलेट करूची तो हाउस होल्ड जेतु कहूची से अनुसार मु कहूची सो व्हिच 17.91 करोर लाइव इन रूरल एरिया एंड 60% ऑफ द 17.91 करोर रूरल हाउस होल्ड हैव बीन कंसीडर्ड टू बी डिप्राइव्ड और पुअर ताले रूरल हाउस होल्ड जेति की अछंदी आमे कोन करचे इट रूरल सेंसस करूचे तो रूरल सेंसस रे आमे जो देखिबा टोटल 60% जो अछंदी 60% कंसीडर करा होची ताकु डिप्राइव्ड और पुअर बोली कंसीडर करा होची आउ 40% डिप्राइव्ड नो कि पुअर नो बीपीएल सेंसस इन अर्बन एरिया सो 2012 रे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ओडे कमिटी अपॉइंट करथला एसआर हासिम कमिटी एसआर हासिम कमिटी कोन कहिला ना बीपीएल फैमिली इन अर्बन एरिया रे नै कि तमे रेकमेंड करो सो कमिटी रेकमेंड कला 3 स्टेज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस गोटेला ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन आउटला ऑटोमेटिक इंक्लूजन एंड स्कोरिंग इंडेक्स ऑफ रिमेनिंग अर्बन फैमिली इन दिस ऑर्डर सो स्टेज 1 गला ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हला हाउसहोल्ड यदि विथ 4 रु ग्रेटर हेगला आउ ड्वेलिंग रूम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीपीएल लिस्ट हाउसहोल्ड विथ आइदर ऑफ 4 व्हीलर मोटर व्हीलर एसी कंप्यूटर ताकु बीपीएल लिस्ट रखा जीवनी एमती की कोन एक ऑटोमेटिक एक्सक्लूड कर दिया गला तापर हाउसहोल्ड फेसिंग सर्टेन स्पेसिफिक रेसिडेंशियल और सोशल ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटी टू बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन बीपीएल लिस्ट तापर स्कोरिंग इंडेक्स फॉर रिमेनिंग हाउसहोल्ड सो तापर जो जति की रिमेनिंग हाउसहोल्ड रहिले से तांकर कोन हो ना किछ स्कोर असाइन करा जीवो स्कोर को बेस करकी तांको आइडेंटिफाई करा जीवो सो द रिकमेंडेशन ऑफ एसआर हासिम कमिटी आर येट टू बी इंप्लीमेंटेड मन रखियो तापर लास्ट पार्ट हमें देखिबा एटा लास्ट नो आ गोटे अछि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सो अमर्त्य सेन जो अछंती अमर्त्य सेन हमर इंडियन नोटेड इकोनॉमिस्ट ना नहीं सो अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी एटा गोटे अछि सो एथरे से कोन कहउछंती ना पीपल फोकस्ड अप्रोच बोली कहउछंती सो पीपल फोकस्ड अप्रोच कोन फोकस करूची ना पीपल्स वेलबीइंग बाय एक्सपेंडिंग देयर कैपेबिलिटी सो दैट दे कैन लीड द लाइफ दे वैल्यू इट डज नॉट एनकरेज वेलफेयर प्रोग्राम बट एडवोकेट एम्पावरमेंट इनिशिएटिव सो ये फार्मली बिलीव कौन कर पीपुल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ एंड डेवलपमेंट वुड ऑफर देम द राइट अपॉर्चुनिटी एंड चॉइस टू डू सो सो द कैपेबिलिटी अप्रोच कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट गोटे है फंक्शनिंग व्हाट पीपुल आर कैपेबल ऑफ डूइंग और बेइंग आउ फ्रीडम सो तुमको क्वेश्चन आसो जे कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी किए डील कर बा किए आडवोकेट करछंती अमर्त्य सेन आडवोकेट करछंती सेति कि तमे मन रखबो एउटा एते इम्पोर्टेन्ट नो सेन्स इन इंडेक्स से पचेरिबनी केबे भी बट अमर्त्य सेन जन नोबेल लॉरेट मन रखबो तापर यूनिवर्सल बेसिक इनकम सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एथरे मु जस्ट मु तमु किछि कहुनी तमे जे मेन एग्जाम पे पढुछो तमे कोन करिवो ना तमे नोट गोटे लिखिवो यूनिवर्सल बेसिक इनकम उपरे तमे नोट लिखिवो सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो 1617 रे अछि सो 1617 रे जो इकोनॉमिक सर्वे को जाई कि तमे जाई कि चेक करि परिवो किमा ए नोट को तमे मॉडिफाई करि कि तमे आंसर लिख परिवो तणो ए देखो क्वेश्चन से दे दीछि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज सिंगल यूवीआई स्कीम इज एन अल्टरनेटिव टू ऑल एक्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम यस और नॉट ताकु नै कि तमे एथरे तुमर कमेंट दबो ओके सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन ताकु तुम जस्ट ट्राई करो बुझिया पई दैट इज सफिशिएंट तापरे एटी एटा तो एम्प्लॉयमेंट पार्टटा हम परे काली डिस्कस करिबा आउडे क्वेश्चन अछि देखो इन द रिसेंटली पब्लिश्ड सेम क्वेश्चन It in the recently published Human Development Report 2020, United Nations Development Program has released experimental metric planetary pressure adjustment Human Development Index. Which of the following correctly describe
प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड इंडेक्स किए कही पार आंसर थ्री सिक्सटी फाइव जी पढ़ी थोड़े से आंसर कही पार आउ किए कौन कही पार नेचुरल डिजास्टर एंड कैलामिटी एडजस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कॉज्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग कोविड लेड स्लोडाउन दैट इंडिकेट दैट यू हैव नॉट स्टडीड 365 देखो सोशल इशू को जीवो सोशल इशू को जाई की देखिबो एडी अछि पड़े वाला हेल्थ न्यूट्रिशन हाँ ये 6.3 को जीवो एटी देखो 51 पेज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट समस्त जान ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अंडर आम जो अच्छी कौन कौन पांचटा कंपोजिट इंडेक्स अच्छी गोटे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गए इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सो ये पांचटा जिनस मिसिकी आम कह कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह सो यू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अच्छी नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट तार जो थेम अच्छी ए कौन कहे ना से गोटे आडिशनाल जिनस कही देख ये देख आंथ्रोपोसीन विषय से कही आंथ्रोपोसीन देख आंथ्रोपोसीन ये थी लास्ट एस डी आर तार जो अच्छी तीन टा पारामीटर अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा तापर 2020 जो फाइंडिंग अच्छी ये देख ओके सो ये तो अच्छी इंडिया रैंक के 131 ऑफ 189 कंट्री इंडिया ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 6681 इन 2019 फ्रॉम 6829 माने टिके कमी जाए ग्रॉस कैपिटा इन ग्रॉस नेशनल इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर तापरे इंडिजिनियस चिल्ड्रेन इन कंबोडिया इंडिया थाईलैंड सो मोर माल न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यू सच एज स्टंटिंग हंटिंग इंडिया भी अच्छी तापरे इन 2019 इंडिया रैंक फिफ्थ फॉर इंस्टॉल सोलार कैपेसिटी मन रखियो फिफ्थ तापरे एविडेंस फ्रॉम कोलंबिया टू इंडिया इंडिकेट दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ओनरशिप ऑफ लैंड इंप्रूव्स वुमेन सिक्योरिटी रिड्यूस रिस्क ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस क्लियरली इंडिकेटिंग दैट ओनिंग लैंड कैन एम्पावर वुमेन हाउएवर इफ द इंडेक्स वेयर एडजस्टेड टू असेस द प्लानेटरी प्रेशर कॉज्ड बाय ईच नेशंस डेवलपमेंट इंडिया वुड मूव 8th प्लेस इन द रैंकिंग सो एच डी आर 2020 प्रेजेंट एंड एडजस्टमेंट टू इंडेक्स फॉर प्लानेटरी प्रेशर कॉल्ड प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड एच डी आई सो प्लानेटरी प्रेशर एच डी आई कौन एडजस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय ए कंट्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड मटेरियल फुटप्रिंट ईच ऑन पर कैपिटा बेसिस ओके सो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड मटेरियल फुटप्रिंट ईच ऑन पर कैपिटा बेसिस को आम कौन कौचे पीएचडीआई तो इथरे कौन हम इट इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टेड बाय पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ओके सर सो दैट मींस ऑन इंडिविजुअल बेसिस द प्रेशर दैट वी पुट ऑन द प्लैनेट बाय आवर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हां सो एथरे जदी तमे देखि परिवो एट देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एथरे आमे देखु जे पीएचडीआई इज क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एचडीआई बाय एन एडजस्टिंग फैक्टर सो एट देखो सीओ एमिशन पर कैपिटा इंडेक्स ताकु प्रोडक्शन बेस करी की ताकु तापर मटेरियल फुटप्रिंट मिसी की हमरो अरिथमेटिक मीन करा होची अरिथमेटिक मीन करा जाई की तापर एडजस्टमेंट फैक्टर बडे क्रिएट करा होची ओके तापर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को गुणी दिया जाउची मल्टीप्लाई कर दिया होची मल्टीप्लाई कला पर प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट एचडीआई बाहर होची ओके सर क्लियर
तो इथरे देखो रिलेशनशिप अमंग एचडीआई ए एंड पीएचडीआई इथरे पीएचडीआई देखो 0 रहउची ए तापर एटी पीएचडीआई 1 रहउची ताकु नै कि एचडीआई बाहर करछु तो लोअर प्लैनेटरी प्रेशर कोडा ए 1 पट्टा लोअर प्लैनेटरी प्रेशर यदि 0 होउची सेडा हायर प्लैनेटरी प्रेशर गोलवान वैली व्हिच हैज बीन फास्ट पॉइंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया लाइज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आखि बुझी कि नहीं ताले पांच नंबर क्वेश्चन जीबा देखो इंडिया रो फिजियोग्राफी समस्त जानिचो एडा हिंदुकुश एडा काराकोरम काराकोरम रेंज कोठी के आसी एडी आसी देखो लद्दाख रेंज तापर आसी एठी जस्कर तापर पीर पंजल तापर धौलाधर तापर शिवालिक तापर जे की ग्रेट हिमालय आसी पड़े ओके तो ए पिक्चर को देखो आउ गोलवान वैली कोडा एटा काराकोरम रेंज सॉरी माने लद्दाख रो ऊपर आछी सेटा तो गेस कर पर चोइत रे यस सर ओके तलो एटा हमरो काराकोरम रेंज रे आसीबो सर सेटा टिके आउथरे देखेबे की कोडा जो तळ फिगर ता देखौथिले एटा बा देखाउ जी गलवान जोटा से पॉइंट वाला तो लद्दाख रो नॉर्थ ईस्ट रो ऊपर अछि तो काराकोरम रेंज रे अछि हां जदी हमें एठी जदी हमें करबा काराकोरम रा केमती आसीबो जस्ट एमती की आसीबो ई पखरे रहिबो सो काराकोरम रेंज रे रहउछि ओके तापर जे की लद्दाख रेंज रा ई पखरु स्टार्ट हिस ई पखरु तो सेति पई देखो एडी आंसर देछि गोलवान रिवर फ्लो फ्रॉम डिस्प्यूटेड ऑक्साई चीन रीजन एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना टू लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया इट ओरिजिनेट ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज एंड फ्लो वेस्ट टू जॉइन सोयोक रिवर द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस अराउंड 100 किलोमीटर साउथ एंड दौलतबेग अल्दी इज ए कैंप साइट एंड करंट मिलिट्री बेस लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ काराकोरम रेंज इन नॉर्दर्न लद्दाख तापर सोयोक रिवर ए सब जिनस अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन With reference to administration by Ashtapradhana during Shivaji period, consider the following pair, title duty, Sumanta, Master of Ceremony, Amatya, Finance and General Administration, Vaknavis, Religious Administration. Sumanta was Foreign Minister. Sumanta Foreign Minister thila. Amatya, Financial, Finance, Second day thik achi sir. Sir, Religious Administration. एडमिनिस्ट्रेशन वाकिन अवेस न थिला तो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन रे आउडे कोन थिला बदे आई थिंक 2 1 तो करेक्ट ओनली 2 सर हां ओनली 2 वाकिन अवेस रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन पे वाकिन अवेस न थिला ओके वेरी गुड ताले आजिरो सबटु भलो आंसर देला शिक्षा सो एडी देखिबा मते किछ आसने मो गेस मारुची ना ना ठीक आंसर देइछो तो मु जस्ट बुक को नै जाउछु तुमको बुक रे देखले आउ टिके डिटेल जानि परिबो तमे मुगल रे अछि बदे सेटा सेटा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रे अछि पूरा मुगल लेटर मुगल एंड मराठा सर तरुण गोयल रे भी अच्छी बदे सेरा पिंक सबडी अच्छी सबडी अच्छी सबडी अच्छी खाली मो जो मटेरियल देखु सेटा मु जस्ट देखु मराठा ओके सो जो हमरो पूनम दलाल बुक अच्छी से मराठा जो अच्छी से मराठा चैप्टर देखो एटी फर्स्ट फाउंडर किए शिवाजी भंचले ना किए फाउंडर किए मराठा रो फाउंडर किए
सर शिवाजी होंगे शाहजी भोसले ओके सो तमे डिटेल पढ़िबो ए जो पार्ट को तापरे संभाजी तापरे राजाराम साहू राजाराम तापरे कोल्हापुर तापरे पेशवा माने आसले पेशवा माने बहुत सारा आसले बाजीराव वन बाजीराव टू तमे जो फिल्म रे देखुछो से बाजीराव वन ना टू तो एमती की मराठा जो सब बहुत सारा मराठा अच्छा पेशवा पुना गायकवाड़ बरोदा होलकर सपिंदर भोसले ऑफ नागपुर नागपुर सिंधिया ऑफ ग्वालियर मान सब मराठा तापर शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रे अष्टप्रधान बोली कहगला किंतु ए जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखु छ अष्टप्रधान अष्टप्रधान रे देखो एटा इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट से मु कहूँ दीज ऑफिसर्स से जो अष्टप्रधान मान जो अष्टप्रधान जो ऑफिसर माने से माने कौन ना दीज ऑफिसर वेयर नाइदर हेरिडिटरी नॉर परमानेंट ओके एंड वे आर एल्सो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड सो एम पेशवा तापरे सेनापति बा सर इ नवत अमात्य बा मजुमदार वाकनविस स्वर्णविस सुमंत न्यायाधीश पंडित राव सो वाकनविस जो अच्छी है कौन इंटेलिजेंस पुलिस पोस्ट हिस्टोरिकल आर्चिव एंड हाउस होल्ड अफेयर ताले रिलीजियस अफेयर के तो पंडित राव तो रिलीजियस अफेयर मन थिला से वाकिन उसका हबन हां रिलीजियस अफेयर कोड लिखाई छी सो पंडित राव तो रिलीजियस पंडित राव चैरिटी हां तनु आंसर कोन हो सिखा जो कहतला ठीक हो ओके सो एट देखो आंसर ए एथरे से जिनसो दै छी मु जस्ट बुक को तुमको रिलेट करू थी तापरे 7 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू पंचायत इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जनरल इलेक्शन टू थ्री टायर्स ऑफ पंचायत आर हेल्ड सिमल्टेनियसली इलेक्शन टू ग्राम पंचायत मस्ट बी हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ नॉन पॉलिटिकल पार्टी सिंबल मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पंचायत इलेक्शन इज इश्यूड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशंस सेकंड ऑप्शन तो कौन दीजिए इलेक्शंस टू ग्राम पंचायत मस्ट बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स मींस माने से माने पार्टी सिंबल यूज कर परिबे माने बीजेपी तार पद्म फूल यूज कर परिबे one and so nothing like that so one and two one and three so three one and two three ta gote achi thik achi three to hobo ne sir panchayat pe state election commission ne diye to teen to hobo correct correct three is correct and also one is correct dui ta jana poruni so jodi three correct or two ta not correct one and three hoba katha all correct two and three to option nahi ओके ताले हमें देखिवा दुईटा ठीक ना नहीं देखिवा ओके आंसर अब डी ऑल करेक्ट सो फर्स्ट देखो फर्स्ट कौन पे करेक्ट जनरल इलेक्शन टू थ्री टायर और पंचायत आर हेल्ड सिमल्टेनियसली ईच वोटर विल कास्ट ईच वोट इन द सेम पोलिंग स्टेशन फॉर चूजिंग द मेंबर फॉर इलेक्शन फॉर टू ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद तापरे सेकेंड टा कौन पे करेक्ट विद इन थ्री टायर पंचायत सिस्टम अनलाइक हायर टायर द इलेक्शन टू ग्राम पंचायत आर बीइंग हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इन अदर वर्ड कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर ग्राम पंचायत कैन नॉट यूज द सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी नेशनल एंड लोकल पार्टी सो गवर्नमेंट मे चूज टू कंडक्ट तालुक एंड जिला पंचायत इलेक्शन विथ और विदाउट सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सो ग्राम पंचायत जो अच्छी ग्राम पंचायत मस्ट बी हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ नॉन पॉलिटिकल पार्टी सिंबल सर यू जो होचे ना सो दैट मींस इफ अ कांग्रेस पर्सन इज स्टैंडिंग सो ही कैन नॉट यूज दैट हैंड सिंबल ही हैव टू यूज अदर सिंबल हम ओके सर सेड लिखा है देखो विद इन थ्री टायर पंचायत सिस्टम अनलाइक हायर टायर द इलेक्शन टू ग्राम पंचायत इलेक्शन टू ग्राम पंचायत मस्ट बी हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ
must be held on basis of non-political party symbol. So in other word, candidate contesting for Gram Panchayat cannot use symbol of recognized political party. Eta mon rakhibo, eta bahut important. Yes sir, good question. Jona nathila eta. Tapre renouncement of practices derogatory to dignity of women is mentioned in which of the following provision of the Indian Constitution? So fundamental rights. Okay. The DPSP. 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 DPSP ताले कते रे कते आर्टिकल रे सो 36 टू 51 ना सेईटा सेई जो लिखाई छला को आर्टिकल थिबो बोली गेस करछो 48 ए की हां 48 ए तो इज एनवायरनमेंट 51 ए बदे 51 ए सो आंसर अबो सी फंडामेंटल ड्यूटी सो फंडामेंटल ड्यूटी कौन पे ना फंडामेंटल ड्यूटी रे डायरेक्टली लिखा है ओके सो 51 ए 51 बी एमती जदी जीवो एट देखो लिखा है जी 51 ए ई रे टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन ओके तापरे सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एफआईआई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोरोइंग थ्रू मसाला बॉन्ड्स 1 एंड 3 सो 1 एंड 3 1 एंड 3 बोरोइंग थ्रू मसाला बॉन्ड माने सर ईसीबी टा भी तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बदे जीव बाहरु दी टाइप रो करि परिबो आइदर तो निजे छापिबो करेंसी नले बाहरु भी लोन आनी परे ईसीबी थ्रू रो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तो एटा उडे डेप्ट हेई परे ना तो एफआईआई टा भी नो एफआईआई टा किमिति डेप्ट हबो से माने आसी कि इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करिवे मसला बॉन्ड आ ईसीबी टा लागुच ओके मसला बॉन्ड टा किए करे मसला बॉन्ड टा माने फॉरेनर्स माने भी करी परिबे बट सेटा रुपी रे हबो रुपी रे डिनोमिनेट कर हबो इंडिया रो करेंसी रे ताले मसला बॉन्ड टा किए करे एक्चुअली गवर्नमेंट करे ना प्राइवेट एंटिटी करन नहीं सर प्राइवेट भी करे कारण ना एचडीएफसी और येस बैंक भी करथले जति मु पढीथली मसला बॉन्ड तेणु ये कौन पचारी व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट माने इंडिया रो ऑफिशियल एक्सटर्नल डेब्ट रो कंपोनेंट कौन कौन 1 इन 2 हबो कि सर 1 इन 2 हबो कि ताले ओके देखिवा नो नंबर आंसर हबो डी सो एक्सटर्नल डेब्ट टोटल डेब्ट व्हिच रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ओ टू फॉरेन क्रेडिटर माने ऑफिशियल नो टोटल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री or to foreign creditor so debtor can be government corporation or citizen of that country jodi ame lekhai danta ethi kon lekhai danta na sovereign debt sovereign external debt lekhai danta tale khali government ro idanta khali external debt lekhai ji sethi pai samastankar seta calculate ho sir eta 1 and 3 ta jona thila baki fia investment only dekhle idanta se dechi fia investment with respect to government security to g security buy korche mane sethi pai ki debt achi ha so edi dekho external debt mane bahut sara achi but hela gross external debt mane outstanding account of actual current liability jote government ro in india gross external debt is classified primarily into following head long and short term debt jote ki amaro kahi pariba लॉन्ग टर्म डेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू मल्टीलेटरल डेट बायलेटरल डेट एक्सपोर्ट क्रेडिट कमर्शियल बोरोइंग एनआरआई डिपॉजिट रुपी डेट तापर शॉर्ट टर्म डेट हला ट्रेड क्रेडिट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल बाय फॉरेन सेंट्रल बैंक
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एटसेट्रा एक्सटर्नल डेब्ट लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक सॉवरेन गवर्नमेंट एंड सॉवरेन नॉन सॉवरेन डेब्ट सॉवरेन डेब्ट इंक्लूड एक्सटर्नल डेब्ट आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंटिंग लोन रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटा मुझे कहती सॉवरेन डेब्ट जो कही था खाली गवर्नमेंट रही था अदर गवर्नमेंट डेब्ट कंप्राइजिंग बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ डिफेंस डेब्ट कंपोनेंट ऑफ रूपी डेब्ट एफआईआई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑल रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट आर कैटेगराइज्ड एज नॉन सॉवरेन एक्सटर्नल डेब्ट मसला बॉन्ड्स आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड आउटसाइड बाय इंडियन एंटिटी दे आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प टू रेज मनी इन लोकल करेंसी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर सो इट आउ टी तुम डिटेल जीव मु जस्ट खाली रीड आउट कर देली लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आंसर को इनकरेक्ट कोटा हो करेक्ट इट पचार छि इनकरेक्ट कोटा हो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल गोटे प्राइवेट मेंबर बिल को लेकिन गोटे कमिटी थाए So it is a special committee of Lok Sabha, is it correct? And in Lok Sabha committee is presided over by Deputy Speaker of House, is it correct? The second option of meaning in general yeah, for this particular committee, Deputy Speaker? See, to say committee to both committee achi. तो से पचाचे सही कमिटी रो प्रिजाइड के करबे से टोटल लागू छे कना प्राइवेट मेंबर बिल अछि तो सर मोस्ट ऑपोजिट ऑपोजिट पेट रहे थे यस यस प्राइवेट मेंबर बिल के करि परिबो माने ऑपोजिट पार्टी जाने भी रहइबो हां तो तांकर हे जे हेड सी हे मोस्टली डेप्युटी स्पीकर ऑपोजिट ऑपोजिशन रो रोड ओके तले चेक करिवा 10 नंबर आंसर हम सी माने डी हम माने मु इनकरेक्ट पचार थी कि करेक्ट हेले दुटा जाक करेक्ट अच्छे सो कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशन दिस कमिटी क्लासिफाई बिल एंड आलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन बिल एंड रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर अदर दैन मिनिस्टर सो दिस इज ए स्पेशल कमिटी ऑफ द लोकसभा एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग डेप्युटी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन Rajyasabha does not have any such committee. The function of Rajya Sabha is performed by Business Advisory Committee of that house. Jodi Rajya Sabha re private member bill arise karibo tale Business Advisory Committee sei house ro deal karibo. Jodi Lok Sabha re karibo tale private member bill committee gote achi sei committee taku deal karibo. Okay sir. Thank you. Okay. Thank you. All of you. Aau karo kichi question nai to? Sir, samata ga sokha bolle dikhe ye पछेबे म तो फर्स्ट डे लेट जॉइन आली सर संजय हां जे जे एबे लेप करिया कथा लेप कर दियो म ताकु जस्ट खाली केमति पढियो म ताकु बुझे देबे थैंक यू सर गुड नाइट गुड नाइट सर नमस्कार नमस्कार संजय को तमे से जो टाटा रे जो रोज स्पेक्ट्रम आउडे बिपिन चंद्रा आउ सर मो रमेश सिंह किनथिल बट मत लागो जे मु किछ बुझि पा नथिल बट नितिन सिंह ने मु काली जो पढे देले मु आज भी केतरा देखिली अपन जो गोटे तरह ग्रुप रे थिले इंडिविजुअल तो सेतरो ठीक भलो बुझा पडु छी तो आउ सर अच्छा हां मु बुझि परली हला जति बुक अछि तमे आउ कोन एडिशनल बुक कोन किनबो आर्यांत्र 2022 रो जो जीके बुक किनबो प्रीलिम पे मुसर सेडा येटा मो सर तरुण गोयल फॉलो करछो ओके तरुण गोयल जदी फॉलो करछो ठीक अछि किंतु हां सर सेडा ते एनसीईआरटी बेस्ड रे अछि भल लाग छ हां हां ठीक अछि ताले सेडा ला प्रीलिम पे गला आउ जो एडिशनल बुक जो हम कहितली शंकर आयस रो बुक मगे बोली कि हां सर शंकर आयस अछि मो एनवायरनमेंट अछि हां शंकर आयस अछि आउ
इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी सर माजे दोसन रो सॉफ्ट कॉपी रखी। हां ज्योग्राफी तमे फास्ट पढो एनसीईआरटी रु पढो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लियो जल्दी गोटे हां गोटे मास भीतर कंप्लीट करो तापर तमे माजे दोसन जा पढचो पढो ओके फास्ट एनसीईआरटी तमे कंप्लीट करो एनसीईआरटी रु कंप्लीट करी जोटा इंपोर्टेंट लागुची नोट करो नोट करी जस्ट खाली सेतरे गोटे छोटो खाता रे मन कर रखो तापर ताकू जेतले माजे दोसन रे पढिबो ताकू तमे नोट करी सेपरेट ऐड करियो से सब जिंस तुम जस्ट मैंने खेल से बुक सहित पूरा खेल मैंने जेहतु तुम ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्योग्राफी अच्छे हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल तेणु पूरा पूरा प्ले करो से खेल मैंने पूरा से ज्योग्राफी सहित पूरा अपॉइंटेड हो जाओ तेणु आग फास्ट स्टार्टिंग कर एनसीईआरटी रु आउ मेन जो आंसर राइटिंग चली फास्ट इकोनॉमी तुम जो 19 नंबर क्वेश्चन आज के 18 नंबर क्वेश्चन था बोलते हाँ तो कल तुम 19 नंबर लिख प्लस एपटे एक नंबर जो क्वेश्चन अच्छे एक नंबर दुई नंबर क्वेश्चन लिख है सो तुम एवं जस्ट खाली कौन कर ना 1, 2, 3 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी बेसी टाइम देवनी ताकू जस्ट खाली तुम से जो पिला लिखिं तार पीडीएफ गुड़ा सब अच्छी ग्रुप जस्ट रेफर कर जोटा तुमको ठीक लगे से क्वेश्चन आंसर तुम डायरेक्ट लिख जस्ट पढ़ बुझ लिख ओके ओके तुम देखिक भी लिखिपार किंतु तुमको जेंती पूरा तुमको सटिस्फाई लागुथबा दरकार जोटा ठीक लागु जो जहार कॉपी सेटा को बेस करकी तुम डायरेक्ट कॉपी करो आ नोट करकी रखो तो एमती की कंटिन्यू करकी तुम जस्ट 19 जो हमरो जो केते 20 की 21 नंबर क्वेश्चन अछि एई जो वीक भितरे तुम कंप्लीट करिया पे ट्राई करो तुम करि दबो कोन पे ना तुमको आ एक्स्ट्रा किछि करिया पे पडिबोनी जस्ट खाली सेतरे पढिबो आंसर लिखियो हैला तो इकोनॉमी पार्टटा को जस्ट एमिति करकी कंप्लीट कर दियो तापर जो नेक्स्ट सेक्शन हमरो स्टार्ट हबो जो हमरो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हबो हमरो आईआर हे परे आईआर नले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हे परे तो सही सेक्शन पूरा भलसे पूरा डिटेल तमे जेंति जाउचो नॉर्मल जीवो एटा को टिके तमे जस्ट टाइम एडजस्ट करके कंप्लीट करथियो ओके नल तमे पछे जीवो सेटा रही जीवो हां 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 सर हां टाइम आपन दे पछे रे थिला सर मु कौन करी सर मु फिल्म पे खाली पढ़ी ना मेन पे पढ़ी ठीक है मतलब तुम तो फिल्म पे सब जानी छ माने मु जति की तव से तो इंटरेक्शन कर लेनी तुम प्राय सब जिंस जानी छ आंसर भी तुम ठीक से देई पारु छ माने माने जो जो हिसाब रे आंसर दवा कथा से हिसाब रे तुम जो ओडे पिला जेंती जेंती भाभी की आंसर दिए सेंती देई पारु छ तो प्रीलिम पे तुम ऑब्वियसली पूरा भलो प्रिपेयर हे छ तेणु तुम मेन उपरे एबे फोकस करो मेन उपरे आंसर राइटिंग करो तुम खाता तो मुझे देखनी के कौन केमती लिखीछ तेणु से तुम जॉइन करो ना गोटे दुटा मत आंसर लिख के देख मुझे देखी तुमको कहीपर तुम है ठीक अच्छे सर मैंने एक्चुअली जानी पानी ऑप्शनल पढ़ी ना परीक्षा मैं प्रीलिम एग्जाम तुम कौन कौन ऑप्शनल सर मोर गोटे हिस्ट्री और ज्योग्राफी सर हिस्ट्री ज्योग्राफी जदि हिस्ट्री ज्योग्राफी त सेटा त तमरो जीएस रे जाउची प्री रे जाउची मेन रे जाउची त पढिबो कोन त पूरा सेटा पूरा पढो ऑप्शनल गुडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को बढ़िया पूरा माने हिस्ट्री जदि नैचो बहुत बढ़िया काम करचो बट तमे केते बळे ताकु माने 100% देई परियो तमे पूरा जते बळे माने सब जिंस को ठीक से एक्सप्रेस करि परियो और सेटा तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जदी न करिवो सेटा केबे भी हेई परिवो गारंटी एड सर मतलब तुम केबे भी कंप्लीट करिनो प्रीवियस ईयर आंसर सब क्वेश्चन कंप्लीट करिनो मैं पढ़ी दी छे एथरो जो देनो थिली के एग्जाम से गोटे खाता मेंटेन करके सब बड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखी थिली ओके ताले से गुडा ताले तुम मते देखाओ मते गोटे दुटा क्वेश्चन रो आंसर देखाओ हां ठीक अछि सर मु ज्योग्राफी रो के तो मैक्सिमम तो करी थिली मैं पोस्ट कर देबे आपन सब सब्जेक्ट रो लेखछ त हां सर जीएस रो भी लिखी छी माने ज्योग्राफी रो भी लिखी छी हिस्ट्री भी सर कोन कहले ओडिसा ओडिसा हिस्ट्री ओडिसा ज्योग्राफी हां सर ओडिसा हिस्ट्री भी रो माने पढ़ी थिली लिखी थिली भी नोट भी बनै थिली ओके ताले त तमे सेगुडा को पुनी रिवाइज करिया पे पड़बो तुम नले तमरो आंसर राइटिंग मु जे देखिबी ताले तुमको मु कहबी के तमे आउ थरे अगेन देखि लिखिबो कि सेही गुडा को कंटिन्यू करिवो तमे देखिया में पडियो से गुडा तो फोटो पोस्ट करू मते देखि हां मु आपन बात देबी सर एक्चुअली मु कंफ्यूज रहति पे छै कारण प्रीलिम जे हेतु टफ हे पर ए वर्ष जे हेतु एते प्रीलिम टॉप सेमती क्वेश्चन लेवल सेमती ही आसीबो सेती की पिला पढु जोंनी कांस्टेंटली सेती की पिला जिवे
ओके सेंती सेंती पे और ये बार नहीं तुम वैकेंसी बॉडी जी अबे आगो अपी क्या तुम्हें जेतु तो लास्ट टाइम दी जो तुम्हें वेल प्रिपेयर आई माने मु कोई पर चेती चारी थरो दी दी जो बा एग्जाम और कौन हां सर चारी थरो दी छे हले मोट भी तुम्हें बेसी जानते हो मते लाउ छी मु तो बेसी दे फास्ट दीटा एग्जाम दे के पढ़े छी नाही सर मु तो दे परले माने सिलेक्ट ही परले ने देले को हो हां सर मोर गुटी क्वेश्चन अच्छी सर हां को सर एक्चुअली मु माने कोरियर हला ही पाठ पढ़ा से तो कोनो से टॉर्चर नसले किछ नसले पूरा छाड़ी दे दी एबे हटत माने एबे माने जस्ट माने वॉइस फॉर्म बा लगे रे मेंटालिटी से के बोली पाठ पढ़ी बोली फीलिंग दे से केमती को फिटर भी कोंद तमे कोन ग्रेजुएशन केबे कंप्लीट है तुमरो आई गेस ग्रेजुएशन केबे कंप्लीट है जी सर 2014 14 14 यदि कंप्लीट 13 सर 2014 ने कंप्लीट हला 14 तो आगे हां 14 रे यदि कंप्लीट है छी ताले को ऑनर्स थला फिजिक्स फिजिक्स तापर पीजी कर छियो ना नहीं पीजी कर छी मैथ रे पीजी मैथ रे कर छियो ताले तुम बीएड भी कर छी क्लियर बी डी ताले तमे केते जाय पढ़ी छो माने पाठो केते केते वर्ष जाय पढ़ी छो 2018 ना केते सती जाय पढ़ी छी मो टाइम रे 2015 ने बीएड सरी गला तापरे 1 ईयर ड्रॉप करथिली तापरे पीजी करी छी 2 ईयर तो तमर ऑप्शनल कोन कोन सर एजुकेशन में किछी पॉलिटिकल साइंस कर किछी पॉलिटिकल साइंस केमती पढ़ु छो सर मु एमिति रखी दे छी पछेरी की बुझी की रखी दे छी माइंड हटात मेकअप खोली एग्जाम जो दिन फॉर्म फिल अप करो किछ दिन पूर्व पूर्व भाबली जे पके दे दी त एमिति एजुकेशन बीएड रे छिले बोली रखी दे छी आ मैथमेटिक्स पीसी कर लेगिलो त सिलेबस देखि के एमिति भाबली पॉलिटिकल साइंस से बेटर हो बोली रखी दे छी किछ सेम पढा पढी करिनी ओके ताले प्रीलिम पे तुम फोकस करियो प्रीलिम पे यदि फोकस करियो तमे फास्ट तमको से जो बेसिक बॉयटा को सारिया पे पडियो एटलीस्ट तमरे से आर्यंत बॉयटा को कंप्लीट कर दियो आ आर्यंत बॉय रे हिस्ट्री ज्योग्राफी आ पॉलिटी पॉलिटी कंप्लीट कर दियो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आ जनरल साइंस चारटा टॉपिक सेतर कंप्लीट कर दियो तापर एडिशनली तमर सेतरे आ को जिनसडा नाही ना एनवायरमेंट पार्टटा नाही आ हमर इकोनॉमी पार्टटा नाही माने कम अछि सेडा किछि पडिबोनी सेतरु बहुत कम क्वेश्चन आसीबार अच्छे तेणु तुमको एक्स्ट्रा पढ़वार अच्छे से ही बही को छाड़ी तुम एनवायरमेंट पढ़ो आउ ये इकोनॉमी पार्टा को पढ़ो दुईटा बही अलग पढ़ो प्लस तुम जी चाह लक्ष्मीकांत को पढ़ी पार जदि टाइम मिल तो तुम आग कौन पढ़ो ना तुम आग हिस्ट्री जोग्राफी जमती बुक हिस्ट्री को कम्प्लीट कर जोग्राफी कम्प्लीट कर तापरे पॉलिटी को कंप्लीट करो पॉलिटी रो जो सेथरे जहाँ दे ताकु आगे कंप्लीट करो तापरे जे कि लक्ष्मीकांत पढ़ो तापरे जो इकोनॉमी तो पढ़ुचो आ एनवायरमेंट भी तापरे पढ़ो माने गोटे दिन रे तमे तीनटा सब्जेक्ट पढ़ो एटा तो इकोनॉमी चली छि इकोनॉमी को छाड़ी कि आउ दुटा सब्जेक्ट निजे पढ़ो हला अगे हमर जो डेली टेस्ट होउची एबे ज्योग्राफी रो पढ़ुची आ हिस्ट्री रो पढ़ुची तनु सर बाकी मोर पाठ सत किछ टॉस नै मु किछ क्वेश्चन करि भी करूनी हां नै तमे केते दिन लर्निंग स्टार्ट कै कोन कोन पे करूनो तन तमे स्टार्ट कर दो कथा एबे स्टार्ट करो जल्दी हैला आगे हां आउ आंसर राइटिंग गोटे लेखु थाओ जदि तमे टाइम पाउनो बा जानि परनो ताले पिला मनकर खाता को देखि तमे जेहेतु एडमिशन करि सरचो मेन रे पिला मनकर खाता को देखि हेले भी तमे आंसर राइटिंग करो कंटिन्यू करो ताकू जदि छाड़ देबो सेंति पिला जॉइन करचोनी छाड़ दउचोनी रही जाउचोनी एमती की आउ कंटिन्यू करनांदी तणु तमे एटलीस्ट देखो खाता देखो पिला मान करो ताकू जस्ट खाली मॉडिफाई करकी लिखिबा पई ट्राई करो किंतु एबे तो मेंटली डिसाइड करछि की मोर ईयर भी नहले मु कंटिन्यू करबि पढाउ छाड़बिनी तो ईयर भी नहले मु नेक्स्ट ईयर में ट्राई करबि हां ताले वेरी गुड सो सही सही माने जो हमर प्रिपरेशन डा हमटी साइक्लिकल रहइबो माने तमे सपोज प्रीलिम जो दिन सरी जइबो सही दिन ही तुमको मेन पढ़ापी पड़ो जो दिन मेन एग्जाम सर से दिन ही तुमको आउ थे प्रिलिम पढ़ापी पड़ो से मेन्टालीटी रहा दरकार ओके मानते तुम जपर्यंत तुम रेजल्ट आउट नई तुम भाव तुम पाई पा अच्छा
ପିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେବ କି ଠିକ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେବେ ରଖିବନି। ତ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଫୋକସ୍ କର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ସେଇ 4-5ଟା ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ସେଇ ଟପିକ୍ରୁ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପଚାରି ଦିଅ, ତମକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିବ କି, ତମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିଓସିଟି ରହିବା ଦରକାର। ସପୋଜ୍ ତମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ, ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ତମେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଏକା ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ମାନେ ତମେ ପଢ଼ିପାରିବ ଯଦି ପଢ଼ିପାରିବ, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେନି ଯେ ଚୁପ୍ ହେଇକି କେତେ ପଢ଼ିବ ତମେ। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜ୍ ହୁଅ, ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫୋଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ କର। ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁରୁଛି, ଓକେ, 7ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ପଢ଼, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ରହିଲା, କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା, କେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ନିଅ। ଏବେ ତମେ 10-12 hours ତମକୁ ମିନିମମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ସେଇଆ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବସି ପାରୁନି, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପଢି ହିଁ ପାରୁନି। ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢିଲେ ଅଧା ଚାପ୍ଟର ଅଧା ହାଫ୍ ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ରହୁନି ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରହୁଛି, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡେଡିକେସନ୍ ହିଁ ବସି ହିଁ ପାରୁନି। ତାହେଲେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମର? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ପାଠପଢା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ସେ ଚାକିରି କେବେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ତମକୁ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏତିକି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ଖାଲି ବସିକି ଲିଟରେଟ୍ ରହିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ତେଣୁ ତମକୁ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମକୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ପଢ଼ୁନ ପଢ଼ୁନ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁନ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ତମର ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ସେ ପାର୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଓକେ କରିକି ଦେଖ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଓକେ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଓକେ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ପଢ଼। ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ନିତେନ ସିଂ ଏନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟ କପିଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହବ କି ଗ୍ରୁପ୍ରେ? ତ ନାହିଁ କୋଉଠି, ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଟା, ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯେଉଁ ଭିଏସ୍ଟି ହବ ତାର କ'ଣ ରହିବ ସାର୍ ସବଜେକ୍ଟ ତା ଦେହରେ? ସେଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆମର ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ରହିବ, ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିବ। ମାନେ କ'ଣ ଇକୋନୋମି? ଆଉ ଆଉ ମାସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଇକୋନୋମି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଉ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।